रिकॉर्डिंग आ गया जी सर। यस सर। आज कुर्ता पहने है क्या सर? हाँ, लग रहा है। कुर्ता गिफ्ट में बेटा भेजा है। ओ अमेरिका से सूट बूट भेज रहा हूँ। सूट बूट नहीं चाहिए, भारत के देश में जो जरूरत है वही भेजो तब उपयोग करेंगे जी। तो कुर्ता हम कहे कुर्ता जो है अभी ऐसा है कि न ठंडा है न गर्म है, अचानक तो शर्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल कुर्ता होता है जी। जी आरामदायक भी होता है। हालांकि एक वो हम अपने भी अमेजन से मंगाए लेकिन उसके बाद वही भेजा तो पहले उसी का पहन रहे। दूर रहने पर यही खाली फोटो में देखा देखी होगा जी। यही सब सैक्रिफाइस है विदेश जाने का। तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं इसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस का, फोर कंज्यूमर सरप्लस जो पढ़ रहे थे उसी का हिस्सा है ये। इसका थर्ड है। हाँ थर्ड नहीं लिखा जाएगा। फोर कंज्यूमर सरप्लस JR JR Hicks। हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें दो बच रहा है। नंबर वन क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन, क्वांटिटेटिव ने क्वांटिटी क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। इसमें जो है दो हम लोग डिस्कस कर लिए थे ना जी सर। मोतीलाल जी आ गए। हाँ
लेकिन वो नहीं पता चल रहा कौन है सैमसंग वाले। ना सैमसंग है कि नहीं है। है सर, हाँ ये है लास्ट में, वो देश के नीचे है, लेकिन उसका माइक नहीं लगा हुआ है, वीडियो लगा हुआ है, जी, तो उसको आवाज जाएगा। हाँ जाएगा लेकिन वो बोले बोल नहीं पाएगा। जाएगा उदेश, हाँ आवाज जा रहा है। पूछे पूछो ना उदेश उसे। अच्छा सर, मैसेज किए सर, कोई रिप्लाई तो नहीं आया। नया घबराता है की ना, बात नया नहीं का करना, तो सही क्लास के बाद में देख लेना सर, है। क्लास के बाद में देख लेना सर। हाँ अब तो क्या करना है, हम तो देखे नहीं रहे किसी के। हमारे तरफ से जो है ये किसी का चेहरा नहीं है, वो हरिगोविंद चौहान का चेहरा देख लिए, पूरा बोर्ड इस्तेमाल होता है, चेहरा गायब हो जाता है। तो हरिगोविंद चौहान आप पान खाते हैं क्या? नहीं सर, सर तो जे आर हिक्स जो है, इसका नाम हम लोग देंगे जे आर हिक्स कंज्यूमर सरप्लस। जे आर हिक्स कंज्यूमर सरप्लस क्वांटिटी, क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। दूसरा हो जाएगा क्वांटिटी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम, क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम, क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन इनकम।
क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। अब देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता अधिशेष, यूपीएससी में अधिशेष वर्ड का प्रयोग करता है और बीपीएससी में उपभोक्ता की बचत का प्रयोग करता है। करेक्ट जो है अधिशेष ही है, लेकिन उपभोक्ता की बचत इतना पॉपुलर है कि उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो उपभोक्ता अधिशेष या कंज्यूमर सरप्लस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जे आर हिक्स का दिया हुआ है। जे आर हिक्स कहते हैं कि मान लीजिए कि पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, एक उदाहरण के में आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि पेट्रोल आप उपयोग कर रहे हैं, अचानक सरकार अभी कहती है कि आपका पेट्रोल का हम कुछ क्वांटिटी ले लेंगे और उसके बदले में आपको हम कुछ पैसा दे देंगे, लेकिन पेट्रोल जो आप यूज कर रहे थे अब यूज नहीं कर पाइएगा। तो कहता है कि अगर क्वांटिटी पहले से आप पेट्रोल यूज कर रहे थे और अचानक आपका पेट्रोल छीन लिया गया, तो उसके बदले में सरकार रकम देगी ताकि अब जिस इन डिफरेंस पर थे उसी पर आ जाए। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के बारे में ऐसे देखिए कि ये मान लीजिए है और कंज्यूमर है आईसी वन पर, इंडिफरेंस कर वन पर है, और मान लीजिए कि कंज्यूमर जो है वो ओए इनकम है उसके पास। इनकम उसके पास कितना है? इनकम है ओए, या मान लीजिए पेट्रोल, पेट्रोल है एक्स गुड्स। तो हम आपको एक काल्पनिक उदाहरण बताते हैं कि मान लीजिए कि आप बाजार में हैं और आपके पास इनकम है ओ ए और आप पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपना बैलगाड़ी चला रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, या साइकिल चला रहे हैं आ जा रहे हैं। अचानक आपको छूट दी गई कि अब पेट्रोल जो है केवल मिलिट्री ही इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि आम जनता भी इस्तेमाल करेगा, और उसका प्राइस लाइन जो है ए से शुरू होता है, ए से शुरू हो रहा है और प्राइस लाइन हो गया ए बी। तो अब आप जैसे ये ऑफर आपको मिला तो आप आई सी वन पर नहीं हो कि आप चले जाइएगा आई सी टू पर। आई सी वन से कहाँ चले जाइएगा? आई सी टू पर, क्यू टू पॉइंट पर, और पेट्रोल का इस्तेमाल करने लगिएगा। सरकार कहेगी कि नहीं साहब, आपको हम पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, इसके बदले में मैं आपका उतना इनकम छीन लेंगे जिससे कि आप इंडिफरेंस कर वन पर वापस आ जाएं।
हम लोग सभी जानते हैं कि प्राइस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। प्राइस लाइन के IC1 से सटता हुआ, IC1 से सटता हुआ एक पैरेलल लाइन लेंगे और सट गया कहाँ पर, Q1 पर, यहाँ सट गया, स्ट्रेट खींचेगा, यहाँ थी लिया था स्ट्रेट लाइन लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके इनकम में से हम ₹1 छीन लेंगे, अकाउंट ठीक करो, तब वो आराम से पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, OM पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन IC1 पर है। अब गौर से देखिए, पहले वो कहाँ था, अरे किसका है, उसको ठीक करो, म्यूट करो, म्यूट करो, फरी जी आप म्यूट कीजिए। हरी जी का म्यूट अभी कहाँ हुआ है, म्यूट करो, हो गया सर, लेकिन हमारे इसमें तो नहीं दिखा रहा क्रॉस, हम देख पा रहे हैं सर। हाँ तुम देख पा रहे हो, क्रॉस तुम्हारे में हो गया है, जी सर, जी सर हो गया है, लेकिन हमारे वाले में फोटो में नहीं है। आप सैमसंग कौन है अभी तक नहीं पता, वो सर वो माइक कनेक्ट करने की कोशिश किए थे लेकिन माइक कनेक्ट नहीं हुआ है। हेमंत आ गए हैं जी, तो कंज्यूमर जो है वो पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और आराम से अपना गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, स्कूटर भी नहीं चला सकता, कार नहीं चला सकता, बैलगाड़ी चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, साइकिल चला सकता है। अचानक सरकार निर्णय ली कि हम पेट्रोल को बाजार में लाएंगे, पहले था कि पेट्रोल केवल मिलिट्री उपयोग करेगी, तो मिलिट्री उपयोग करेगी, कंज्यूमर जो है वो IC1 पर है। कंज्यूमर कहाँ है, IC1 पर, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, सर पहले ऐसा होता था कि सिर्फ मिलिट्री पेट्रोल यूज करते हैं, आम आदमी नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल केवल मिलिट्री करता था, नहीं पता, चार्ली हेलो, हाँ चार्ली स्पीकिंग, उधर से ऊपर सैम हॉर्स स्पीकिंग, सिनेमा ने नहीं दिखाता है जी जी, लेकिन आम जनता के पास रहता नहीं था टॉक करने वाला दोनों तरफ से, अगर कोई मोहल्ला में लेके अगर वो चल रहा है तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, दैट वाज ए डिफेंस मटेरियल, पुलिस मटेरियल, उसको पब्लिक नहीं यूज करेगी। तो उसी तरह से एग्जाम्पल दिए कि पेट्रोल का इस्तेमाल जब शुरू शुरू में पेट्रोल का उत्पादन हुआ, आया बाजार में, अब लोग डर कि पता नहीं चलेगा कि आग लग जाएगा क्या होगा, कहा कि नहीं साहब कोई फैसिलिटी आपको देंगे, लेकिन शर्त यही है कि IC1 पर आप कहाँ हैं, IC1 पर आप हैं ICA पर आप हैं कहाँ, ए पॉइंट पर, जब आप पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ आ हैं, ए पॉइंट पर, ये बात समझ में आ रही है। IC1 का पहला पॉइंट क्या है, ए है, ए है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां उसके पॉकेट में पैसा है, लेकिन पेट्रोल जीरो इस्तेमाल कर रहा है, एक्स एक्सिस पर जीरो है और 100% पैसा उसके पॉकेट में है। सरकार जैसे ही पेट्रोल लागू की,
तो उसका असर क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है प्राइस लाइन है ए बी, तो ए बी प्राइस लाइन टेंजेंट हो गया आईसी टू से। ए बी प्राइस लाइन कहाँ टेंजेंट हो गया? आईसी टू से। सैमसन इंटर्ड वेटिंग रूम, उदेश पूछो हाँ सर, तो सैमसंग का नाम क्या है? मैसेज कर देते हैं सर उनको। हाँ तो क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनका हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाजार में पेट्रोल कोई भी आम जनता इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अचानक सरकार की जो सरकारी नीति है उसमें परिवर्तन हुआ और हुआ कि अब आम जनता को भी पेट्रोल दिया जाएगा जिससे कि वो इस्तेमाल कर रखे। तो पेट्रोल नहीं जब था तो उपभोक्ता आईसी वन के ए बिंदु पर था, उपभोक्ता आईसी वन के ए बिंदु पर था। मतलब जीरो उपयोग कर रहा था उसका, कोई जीरो उपयोग उपयोग कर नहीं। रहा था, उसको पेट्रोल से कुछ लेना देना था नहीं, उसके पास पैसा था हुए। अब जैसे निर्णय हुआ कि पेट्रोल इस्तेमाल जनता कर सकती है तो तुरंत लाइन लग जाएगा, लोग खरीदने लगेगा। तो उस स्थिति में यह कंज्यूमर जो है ए पॉइंट से खिसक के कहाँ भाग जाएगा? एच पे कहाँ भाग जाएगा? ए पॉइंट से खिसक के कहाँ भाग जाएगा? प्राइस लाइन कीमत रेखा पर कहाँ चलावेगा? वो एच पे है कीमत रेखा, अभी उसको छीना गया जहां है से थोड़ी, डिमांड हो रहा है Q2 पे आ जाएगा वो क्यू टू आइस आएगा। पे। अरे वो ए पैसा उसके पास है, प्राइस लाइन आया ए बी, वो ए से खिसक आ जाएगा क्यू टू पर। सरकार Q2 पे आ जाएगा। कहेगी कि न्यायोचित नहीं है, समाज में आप जिस कर पर थे उसी कर पर रहिए, कर मत बदलिए। कर बदलने का मतलब क्या होगा कि रिलेटिव सापेक्षिक अंतर हो गया, सापेक्षिक अंतर मत कीजिए। जैसे आप बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, आपको सब फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन आप ये नहीं कहिए कि नहीं साहब हम बिलो पॉवर्टी नहीं, हम धनवान हैं। धन कैसे है भैया? बीपीएल जब लिखे हुए हैं, लाल कार्ड जब बन रहा था हर आदमी लाल कार्ड बना लिया। सोचिए गांव में जितना आदमी है सब लाल कार्ड बना लिया, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान, सबको लाल कार्ड। लाल कार्ड का उद्देश्य था जो गरीब है उसके लिए है, गांव का आदमी लाल कार्ड बना लिया। यहाँ तक कि शादी विवाह होने पर पूछता था कि भाई आपको लाल कार्ड है ना, ऐसा नहीं कि शादी घर में कर दें कार्ड है ये नहीं, तो सबके पास लाल कार्ड। तो फ्लॉप कर गया स्कीम कि हम जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पुअर है, उसी तरह देखिएगा राशन कार्ड पर ये मिलने लगा सिलेंडर, तो राशन कार्ड पर सिलेंडर मिल रहा है तो सबको राशन कार्ड मिल गया, बनवा लिया, एक घर में दो गो तीन गो राशन कार्ड बना लिया, सिलेंडर लेना शुरू कर दिया। अब जब हुआ कि घर का जो मुखिया है उसी के नाम पर रहेगा, चाहे मदर या फादर, दो गो नहीं रहेगा, एक ही परिवार का आदमी उसके नाम से कार्ड रहेगा, और उसी का ये अकाउंट नंबर जो है और उसका आधार कार्ड। तो जैसे ही वो हुआ कि बहुत सारा जो अकाउंट होल्डर था, आधार कार्ड जब देना पड़ा तो डरे छोड़ दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आईसी वन पर वो था तो कोई पेट्रोल नहीं था, उसके पास ओए आमदनी थी, ओए आमदनी थी और वो आराम से अपना रह रहा था, पेट्रोल बाजार में जीरो था।
अब बाजार में पेट्रोल जब आ गया तो तुरंत वो ए से भाग जाएगा क्यू टू पर। तुरंत लगाम लगाने के लिए सरकार क्या करेगी कि उसके आय में क्षतिपूर्ति कर देगी, उसके आय में क्षति करेगी और क्षति करके उसके आय को कर देगी ओ एच, मतलब ए एच आय उसकी घटा देगी। जैसे घटा देगी तो एक नया लाइन आएगा एच लाइन, एच लाइन जो है वो नया लाइन है एच एच वन कर दीजिए इसको एच एच वन। ये टेंजेंट हो गया कहाँ, आई सी वन से क्यू वन पर, कहा कि यहीं पर तुम रहो। अब तुम ए पर नहीं रहोगे, कहाँ रहोगे, क्यू वन पर, और ओ एम पेट्रोल का इस्तेमाल करोगे। तो ये पैसा जो तुम्हारा छीन लिए उससे छीनने से क्षति हो गया तुमको, आपूर्ति उसके बदले में पेट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। जो क्वांटिटी आपको दिया गया पेट्रोल का, उसके साथ साथ आपके इनकम में उतनी कमी कर दी गई, लेकिन आप जिस कर पर पहले थे पेट्रोल लेने के पहले, जहाँ थे पेट्रोल लेने के बाद भी आप उसी कर पर हैं। समाज में आय के वितरण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहता है कि ए एच जो अमाउंट है, इस ए एच अमाउंट का नाम हो जाएगा कंज्यूमर, नाम हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। क्या नाम हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। नया टेक्नोलॉजी निकाला कि व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, कहा कंज्यूमर सरप्लस का मतलब हो गया कि वह रुपया जो सरकार छीन ली, पेट्रोल को तो अलाउ कर दी, पेट्रोल अलाउ कर दी और पेट्रोल अलाउड कर दी, कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ए एच है, ए एच कंज्यूमर सरप्लस उसका है, क्योंकि वही अमाउंट उसके आमदनी से घटा दिया गया। तो चूंकि उसको एक उसके बदले में क्वांटिटी दी गई पेट्रोल का, यहाँ प्राइस का चक्कर नहीं है, यहाँ क्वांटिटी का चक्कर है कि आपको क्वांटिटी पेट्रोल का ओ एम दिया जा रहा है, तो कहा जाएगा कि ए बिंदु पर वो जीरो पेट्रोल है, ए वन आई सी वन, आई सी वन के ए पॉइंट पर, ए पॉइंट है, आप फिर वो आई सी वन के ही आ जाएगा क्यू वन पॉइंट पर, क्यू वन पॉइंट पर, क्यू वन पॉइंट पर आएगा विथ पेट्रोल, विथ पेट्रोल। कंजम्पशन जो है अब पेट्रोल का होने लगेगा, कंज्यूमर सरप्लस का अमाउंट कितना हो जाएगा सुनीता, एएच इसको क्या कहा जाएगा, क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम, जी सर, क्यूसी है ना, इसको जी क्या जी कहेंगे। वस्तु की मात्रा का जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं उसके बदले सरकार इतना पैसा जो है ले लेती है। तो क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम, नाम इसका हो गया क्यू सी भी आई आई, क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम। और है क्या, तो इट इज डिक्रीज इन हीज मनी इनकम, उसके मनी इनकम में डिक्रीज कर दिया गया और ए एच अमाउंट उसके मनी इनकम को डिक्रीज किया गया, ताकि उसके थैला में जो पैसा है वो ए एच से घट जाए और दूसरा जो बर्तन है उसमें उसको पेट्रोल मिल जाए। तो इसलिए कहता है क्वांटिटी दे करके हम आपको कंपनसेट कर दिए,
आपका जो इनकम हम ले लिए वो उसका कंपनसेशन में आपको पेट्रोल वो ये मिल रहा है आपको। पहले आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा था, आप ए पर थे, जीरो पेट्रोल था। अब आप Q1 पर आ गए तो आपका इनकम हो गया OH, आप पेट्रोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं OM, पेट्रोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं OM। तो IC1 के Q1 पॉइंट पर विथ पेट्रोल है आप। क्या है आप? विथ पेट्रोल। विथ पेट्रोल विथ पेट्रोल तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? AH। कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? वही इनकम जो सरकार आपसे छीन। तो फिक्स कहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस का जो मार्शल दिए थे कि क्या देना चाहते हो, क्या वास्तव में दे रहे हो, इस दोनों के अंतर को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। मार्शल क्या कहे थे कि उपभोक्ता क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है, इसको उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता अधिशेष या कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। इससे एकदम अलग तरीके से हिक्स ने नोबेल प्राइज इनको मिला। इन्होंने कहा कि कंज्यूमर सरप्लस को ऑर्डिनरी मत समझिए, कंज्यूमर सरप्लस से बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आप बतला सकते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में कोई सामान नहीं है और सरकार वो सामान आपको उपलब्ध करा दी तो आप जिस इंडिफरेंस कर पर हैं उसी इंडिफरेंस कर पर रहिए और उस सामान का उपयोग कीजिए। इसके लिए सरकार को आपके इनकम से मौद्रिक आय में से कुछ हिस्सा घटाना पड़ेगा। इस चित्र में AH हिस्सा घटाया गया तो जो एक प्राइस लाइन आई वो पैरेलल लाइन होगा पूरा, जो ऊपर AB लाइन के पैरेलल है। तो पहले आपका प्राइस लाइन था AB, अब पैरेलल हो गया कितना? H H1। प्राइस लाइन जो है दोनों प्राइस लाइन है, एक ओरिजिनल है और दूसरा सरकार जो है कंपनसेटिंग वेरिएशन खींची। AB पर आप हैं तो IC1 पर आप हैं एंड जीरो पेट्रोल। तो IC1 पर हैं लेकिन जीरो पेट्रोल है ए पॉइंट पर हैं। अब IC1 पर ही आप हैं लेकिन Q1 पर आपको पेट्रोल मिल रहा है, OM पेट्रोल आप प्राप्त कर रहे हैं। पेट्रोल की मात्रा कितना है? OM पेट्रोल प्राप्त कर रहे हैं और आपके आय में AH की कमी हो गई। यही AH कमी जो है कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस का नाम इन्होंने दिया क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। पेट्रोल आपको दे रही है उसके क्षतिपूर्ति में आपको आपके आय का कुछ हिस्सा ले ली और पेट्रोल आपको दे दिया, आप उपभोग कीजिए। तो सरकार को कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा क्योंकि तो सरकार आपको पेट्रोल उपलब्ध रही है, उससे आप इंडिफरेंस कर्व 2 पर भाग रहे हैं। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके किसी कारण से समय आय का वितरण जो है उपभोग का वितरण आय का वितरण में विषमता हो जाए। इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व 1 से बड़ा माना जाता है इंडिफरेंस कर्व 2। डिफरेंस कर्व 1 से डिफरेंस कर्व 2 पर चले गए तो आप संपन्नता के सूचक में आप पे वृद्धि हो गई और इनडायरेक्ट रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि हो गई। इनडायरेक्ट रूप में आपने गरीब अमीर में एक नया आंकड़ा तैयार कर दिया, जो गरीब था वो आज अमीर से बैठने लगा। तो कहा कि नहीं ये मत कीजिए, पेट्रोल आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन अगर आप IC1 के पार्टनर थे तो IC1 पर ही रहिए। IC2 पर अगर आप भाग रहे हैं आपकी आमदनी में से हम AH घटा देंगे। जैसे ही AH घटाएंगे तो आप जहां थे A से आप आ जाइएगा Q1 पर। HH लाइन टेंजेंट है। सुनीता जी सर, इस चित्र को बना के भेजो, हम फिर इसी चित्र को दोबारा रिपीट करते हैं।
तब तक जो जो लोग पहले से आए हुए हैं इस चित्र को बना के दिखाइए, हम फिर इसी चित्र को दोबारा बना रहे हैं, जी सर। और आप लोग बना के भेजिए। तो मानो A4 साइज पेपर लाओ, तुम लाओ ले जाओ, वहां से लाओ, 4-5 वो लाओ। ये आराम कर रहे हैं, पढ़ने दे रहे हैं। पहले पैरा लाइन बना लीजिए, कैसे कोई चक्कर वैसा है नहीं, पहले पैरा लाइन बना लीजिए और ए को टेंजेंट कर दीजिए इस पर, और दूसरा ए को बना लीजिए, ये ज़्यादा आसान है। IC1 है, IC2 है, पहले वो ए पर था, ए पर था, पेट्रोल था नहीं, वो ए लेता था, पेट्रोल जैसे ही बाजार में आया तो वो चला जाएगा, महेंद्र यादव चले गए सैमसंग वाले। नहीं, इंटर किया है अभी वो गुजरात वाला, महेंद्र कुमार यादव। महेंद्र कुमार तो चित्र फिर आसान तरीके से है कि दो को पैरेलल खींच लीजिए और तब IC1 को सटा दीजिए Q1 और ये ऊपर वाला हो जाएगा Q2। तो ये जो है हम लोगों का AH यही हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, और इसी का हम लोग नाम क्या देते हैं, क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम, क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम। कंज्यूमर इज एट ए पॉइंट, कंज्यूमर इज एट ए पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व 1 विथ 0 पेट्रोल। विथ 0 विथ 0 पेट्रोल। कंज्यूमर कहाँ है, ए पॉइंट पर है ऑन IC1 विथ 0 पेट्रोल।
अब जो है गवर्नमेंट अलाउज पेट्रोल पेट्रोल टू टू ए कंज्यूमर, गवर्नमेंट जो है वो अलाउ कर दी पेट्रोल टू ए कंज्यूमर, गवर्नमेंट अलाउज पेट्रोल टू ए कंज्यूमर, सरकार कही कि पेट्रोल आप ले सकते हैं, अलाउ कर दी। जैसे अलाउ करेगी तो अलाउज पेट्रोल टू द कंज्यूमर एंड टेक एएच इनकम, एएच इनकम एंड टेक एएच इनकम फ्रॉम द कंज्यूमर, कंज्यूमर से एएच इनकम उसका सरकार ले लेगी, सो दैट कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम एट Q1, एट सर ये Q1 और Q2 एकदम आमने सामने रहना चाहिए ना या ना ऊपर? कहीं भी आमने सामने की जरूरत नहीं, तो ठीक ऊपर कर्व ना है जी। इक्विलिब्रियम एट Q1, Q1 पर आ गया, वो जहां भी और पैरेलल है ना, इंडिफरेंस कर्व तो पैरेलल है तो राइट साइड रहेगा वो, और एक्चुअल होगा वो जहां है वहीं है, उस पर तो गया नहीं ना, वो तो सिंबॉलिक है कि वहां जाएगा तब तब वो ऐसा होगा, लेकिन उसको जाने ही नहीं देगा, उसका इनकम ही घटा देगा। तो इसका एक्स गुड्स है, तो कंज्यूमर जो है पहला कंज्यूमर का जो प्राइस लाइन है वो पहला प्राइस लाइन है ए बी, और दूसरा प्राइस लाइन जो नया जन्म लिया हुआ है ए एच 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 वन, और एकदम समानांतर खींचना है, समानांतर खींचना है कि ए एच जो है लाइन पैरेलल होना चाहिए, और वो स्पर्श करेगा IC1 को Q1 पर, तो वो पेट्रोल वो लेगा OM, पेट्रोल सिंबॉलिक नाम दिए हैं, कुछ नाम देना होगा, महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार उनका ऑडियो अभी कनेक्ट थोड़ा सा खराब हो गया। महेंद्र कुमार, अनम्यूट करके बोलिए। है वो म्यूट किए हुए थे सर। हाँ नाम महेंद्र? प्रणाम प्रणाम सर। हाँ तो लेट कमर हो गए तुम, सेटिंग में सर प्रॉब्लम हो रही थी, अभी काफी ज्यादा बात हो रही थी अपनी।
नहीं हो पा रही थी वो एंट्री में जी, सेटिंग में आवाज नहीं आ रही थी आपकी, वीडियो तो मैं देख रहा था। अच्छा, तो अब आवाज आ रही है। जी 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 अरे आप ही का सैमसंग था, सैमसंग मोबाइल? नहीं नहीं एमआई है मेरा तो। अच्छा। इनका सैमसंग वाला तो हट गया, दूसरा कोई था वो महेंद्र। आप ये अहमदाबाद से है ना? जी जी। कौन झील है बड़ा नामी झील है वहाँ? काकड़िया झील। काकड़िया है सर? काकड़िया झील जी जी। हाँ, उसी के बगल में हम ठहरे हुए थे, रोज जाके वहाँ दो चार को जानवर था, ज्यादा जानवर नहीं है पिंजरा में। अभी है कि नहीं? अभी तो सर मैं अभी, पहले तो बढ़ाया था कुछ जानवर अभी, लेकिन अभी तो कोरोना टाइम में मैं गया नहीं कहीं बहुत दिन। अच्छा अच्छा हाँ, तो कोरोना में था तो आपका स्वागत है, आज आपका पहला क्लास है। और क्लास छूट जाए तो घबराना नहीं है, हम और आप रहना चाहिए, क्लास तो अपने आएगा जाएगा। जी 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 ना? जी सर, जी सर। बिहार और गुजरात के बीच में लिंक बराबर बना रहेगा, समझ गए? जी जी, आया जाए सर एक बार फिर, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर्व वन पर उसको पकड़ के रखना है हमको, क्योंकि टू पर भागने नहीं देना। सरकार कहती है कि हम आपको पेट्रोल दे रहे हैं या कोई नई चीज दे रहे हैं, तो इसके बदले में हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप जिस इंडिफरेंस कर्व पर पहले थे वहीं रहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में सापेक्षिक परिवर्तन नहीं हो जाए स्टेटस में। बिना कुछ किए हुए आप IC2 पर चले जाइएगा, और IC2 वाला आदमी जो है IC3 पर चला जाएगा तो ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा, क्योंकि IC1 और IC2 एक तरह से उसके पॉकेट के रुपया को भी दर्शाता है। अब IC5 पर कोई आदमी है तो IC5 पर है तो समझ जाइए कि वो हाई फाई होगा, हर चीज में फाइव लगा हुआ है उसमें। तो IC1 वाला IC2 पर चला जाए तो ये उचित कदम नहीं होगा, क्योंकि ये आय के वितरण की जो स्थिति है उसमें सापेक्षिक परिवर्तन कर देगा। इसे सरकार कहती कल्याण के दृष्टिकोण से आपको पेट्रोल दिया जाए, आपको सुख सुविधा बढ़ाया जाए, लेकिन आपका स्टेटस IC1 से IC2 पर तब बढ़े जब आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। बहुत ऐसा लड़का हमारे यहाँ पढ़ने वाला था जो कि सेक्रेटेरिएट सर्विस में चला गया, और उसके बाद फिर वो SDM में हो गया, तो छोड़ के चलाया उसमें। तो इसलिए कहता है कि स्टेटस जो है बढ़ाने के लिए आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो अलग मुद्दा है कि आपकी आमदनी कैसे बढ़े। यहाँ है कि हम आपको कोई सामान दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं। पहले पेट्रोल कम था तो मिलिट्री इस्तेमाल करती थी, आम जनता को नहीं अलाउड था। अब जगह जगह पेट्रोल पंप खोल के पेट्रोल देने का बात हो रहा है। तो पेट्रोल आप जैसे ही लीजिएगा तो आपका इंडिफरेंस कर्व वन पर आप थे तो वन पर ही रहिए। फर्क यही कि अब ए पर नहीं रह करके आपकी वन पर आ जाइएगा, ए पर नहीं रह करके कि वन पर आ जाइएगा, कर्व वही रह गया। और आप इसके इस काम को करने के लिए सरकार आपके आमदनी में से AH हिस्सा घटा देगी। टैक्स ले लेगी इतना? वो क्या कहना है, कैसे लेगी? टैक्स के रूप में, पेट्रोल टैक्स के रूप में आपके आमदनी में एच घट जाएगा, वो आप उसी कर पर रह जाएगी। सरकार जब भी आपसे पैसा लेती है तो भीख मांग के नहीं लेती है, टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, आपको देना ही है। भीख मांगेगी तो लेके घूम जाएगा पूरा पटना, कोई टैक्स नहीं देगा। तो टैक्स के बारे में कहा जाता है कि टैक्स इज ए क्विड प्रोको। क्विड प्रोको का मतलब हुआ कि टैक्स के बदले में आपको कुछ भी सरकार तुरंत नहीं देगी। आप सबके
10 गो रुपया दिए तो 10 रुपया का वो सर्फ का पैकेट आपको दे देगा। अगर आप 20 रुपया दिए तो दूध का एक पैकेट दे देगा। तो इसको कहा जाता है इक्वल एक्सचेंज। फल वाले को पैसा दिए तो आपको 4 गो फल दे दिया, इक्वल एक्सचेंज। इक्वल एक्सचेंज को ग्रीक बोला जाता है क्विड प्रो को, क्विड प्रो को। डिक्शनरी में खोल के देखिए क्विड प्रो को, QUID क्विड प्रो को, PROQUO क्विड प्रो को। क्विड प्रो को ग्रीक टर्म है जिसका अर्थ होता है इक्वल एक्सचेंज। तो इसलिए कहा जाता है टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रो को, टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रो को। टैक्स देने का मतलब ही नहीं कि आप कुछ मांगिएगा। इनकम टैक्स पे करने गए 8 लाख रुपया वहां दे रहे हैं टैक्स, आप चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि चलिए आओ जल्दी आओ हमारे मोहल्ला में नाली साफ करवाओ, पूरा गंदा है, ऐसा आप नहीं कर सकते। टैक्स आपको देना है जाके दीजिए और जाइए। हाँ, सरकार उस काम को करेगी, सरकार का विभाग वो करेगी, उसका अपना दायित्व है। टैक्स आप देने आए हैं 5 लाख, तो कहिएगा तबे पेमेंट करेंगे जबकि जबकि चल के तू हमारा साफ करो, ऐसा लाख हो जाए वो आने वाला नहीं है। और आपके यहाँ आ जाएगा पुलिस की, चलिए आप टैक्स नहीं दिए। तो टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रो को। तो अगर वो कह दिया कि एच हम आपसे लेंगे तो ले लेगा आपसे एच टैक्स के रूप में, नाम उसका हो जाएगा पेट्रोल टैक्स। अब कैसे बांग्लादेश बना था, बहुत दिन तक ले बांग्लादेश शरणार्थी शेष लगता था, बांग्लादेश टैक्स वो आया रहा खा पी रहा है, हम लोग को बहुत दिनों तक टैक्स देना पड़ा उसका। तो वो इनकम में टैक्स है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इनकम के ऊपर में एक सेस लगता है, एजुकेशन सेस। जी सर, अभी स्वच्छ भारत अभियान का भी लेता है सेस। तो वो पैसा आपको देना ही देना है, और ऊपर से ही कट जाएगा ताकि सरकार को पैसा मिले और स्वच्छ भारत का जो है काम करे। और तो क्विड प्रोको शब्द का मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल एक्सचेंज। क्विड प्रोको का मतलब इक्वल एक्सचेंज, और नॉट लगा देंगे तो टैक्स हो जाएगा। टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रोको, टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रोको। टैक्स देने पर आपको उसके बदले में तुरंत कोई दूसरा खिड़की से कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप में जाइए पैसा दीजिए तो तुरंत आपके हाथ में एगो पैकेट दे देगा, वो सर्फ का या बिस्किट का, जिस चीज को मांगिएगा दे देगा उतने वैल्यू का। तो हो गया इक्वल एक्सचेंज, मॉल में जाइए खरीदिए इक्वल एक्सचेंज। जी सर, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट हो गया जो आपका इनकम को ले लेगा। कहता है कि इसका नाम दिया जाएगा क्वांटिटेटिव क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम। क्या नाम इसको दिया जाएगा, क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम। इस पेज में भी नाम दे देते हैं आपको, क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम इज कंज्यूमर सरप्लस। अब इसी का नाम वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में इसका नाम आज से हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सर। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम इज कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पर ये कितना के बराबर होगा, ए एच। यहाँ ये कितना के बराबर होगा, ए एच के बराबर होगा। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम इज कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू ए एच। अब इस चित्र को बना के व्हाट्सएप पर भेजिए हमको, या बाद में बना के भेजिएगा जैसा मन करे, कि बनाइए जरूर। तुम लोग बना लिए, एक बार भेज दिए हैं सर।
बात समझ गए? थोड़ा रिपीट कर दिए ऊपर, उपभोक्ता की बचत का कौन बोले है? नेंद्र बोल रहा हूँ सर, एक बार थोड़ा मैं नहीं था। उपेंद्र महेंद्र बोल रहा हो जी? हाँ ठीक है, रिपीट तुम्हें लिए कर रहा है। इस चित्र में सबसे पहले है कि उपभोक्ता बाजार में है, उसके पास चित्र को देखते रहना, ओ ए इनकम है चित्र के पास, उसके पास इनकम जो कंज्यूमर है उसके पास इनकम कितना है, ओ ए, उसके पास इनकम है ओ ए। बाजार में जब पहुंचता है महेंद्र कुमार जी, मैं सुन रहा हूँ सर। बाजार में जब पहुंचता है तो उसके पास आमदनी कितना है, ओ ए जी, क्या समझिए, ओ ए आमदनी है। आराम से बाजार में घूम रहा है, इतने में आ गया सरकारी एजेंट कि भाई जी आप पेट्रोल लीजिएगा, तो बोला कि एकदम लेंगे, तो ठीक है आपका इनकम से एएच पैसा जो है सरकार ले लेगी और आपको पेट्रोल दे देगी। एएच पैसा ले लिया गया उससे? हाँ, एएच पैसा माने रुपया लेगी तभी तो देगी जी। हाँ तो एएच पैसा ले लेगी उससे और उसको एक कूपन दे देगी, जाइए पेट्रोल पंप से ले लीजिए पेट्रोल। पेट्रोल कितना मिलेगा, ओ एम पेट्रोल। यहाँ पर हम लोग समझने के लिए पेट्रोल रखे हैं, कोई दूसरा सर ओए मिलेगा या एएच के बराबर ही मिलेगा ना? नहीं नहीं, एएच तो पैसा हुआ ना। अच्छा जी, पेट्रोल तो लीटर में रहेगा ना, वो रुपया जो बनना होगा होगा। अच्छा, वो आपको जितना लीटर देगा उससे कम ही लेगा, वो ज्यादा थोड़ी लीटर से ज्यादा लेगा, वो आपसे उतना पैसा ले लेगा जिससे कि आप क्यू वन पर आ जाइए। कहाँ से आ जाइए, ए से क्यू वन। कहे क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ए पर आप हैं और ए का जो लाइन है जाके क्यू टू में सट रहा है। गौर से देखिए, तो जैसे पेट्रोल लेके बाजार में आइएगा तो उसका पैसा आइए ए से चल जाएगा क्यू टू पर, और क्यू टू जो है इंडिफरेंस कर्व टू है, मैंने हायर लेवल है, दो तल्ला है, आप थे एक तल्ला के आदमी, लेकिन पेट्रोल आने से आपका पोजीशन बदल गया, जो आपका प्राइस लाइन है वो सट रहा है क्यू टू पर जी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कहेगा, देखिए भाई आप पहले कहाँ थे, ए पर थे, ए किसका बिंदु है, आईसी वन का। गौर से देखिए, आईसी वन इधर से चल रहा है जा रहा है यहाँ सटता है, तो आईसी वन जो है वो आपको यहाँ है ए पर है, तो ए पर जब आप होते हैं तो जीरो पेट्रोल है, ए पर पेट्रोल क्या है, जीरो है, और रुपया है आपके पास ओ ए। रुपया कितना है आपके पास, ओ ए, तो ए पर आप हैं तो आपके पॉकेट में रुपया है ओ ए, लेकिन पेट्रोल तो जीरो है, पेट्रोल क्या है, जीरो है, जीरो है ये बंदूक। अब जैसे पेट्रोल को इंट्रोड्यूस किया तो प्राइस लाइन उसका आया ए बी, ए बी रेखा पर आप चट से चले जाएगा क्यू टू पर बिना कोई झंझट के। सरकार देखी करे, ये तो आई सी टू पर चला गया, ये आदमी था कहाँ, आई सी वन पर। कहे देखिए भाई आप पहले थे आई सी वन पर, पेट्रोल लेने के बाद भी आपको आई सी वन पर ही रहना है, आई सी टू पर नहीं जाना है, आई सी टू हायर इंडिफरेंस कर्व है, हम पेट्रोल इसलिए नहीं ला रहे हैं कि बिना बात के हायर इंडिफरेंस कर्व पर चल जाइए। आप जिस कर पर थे उसी कर पर रहिए, और आपको हम पेट्रोल करा रहे हैं। कहा कि कैसे संभव होगा, कहा कि हम क्या करेंगे कि जो प्राइस लाइन है ए बी उसके समानांतर एक प्राइस लाइन खींच देते हैं। समानांतर का मतलब हो गया कि सेम टू सेम, जो उस पर रेट है वो इस पर रेट है, तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा, तो हम लोग का पहला वाला जो लाइन था, पहला वाला लाइन हम लोग का था ए बी के सम एच एच वन,
इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा पैरेलल ना, ए बी के ठीक पैरेलल है ए एच वन, इसलिए आपको दोनों समानांतर खींचना होगा, समानांतर लाइन पैरेलल है तो आप उस पर रहिए इस पर रहिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस लाइन वही मिलेगा आपको, लेकिन सरकार को फर्क पड़ेगी कि आई वन पर थे ए पर और पेट्रोल लेने के बाद भी आप आई सी वन पर ही हैं कि क्यू वन पर, बस इतनी ही बात है, आप ऊपर नहीं भाग जाइए हायर इंडिफरेंस, इसलिए आपके आमदनी में उतनी ही कमी की जाएगी जिससे कि आप पेट्रोल इस्तेमाल कर सकें और आई सी वन पर रह सकें। इससे फायदा क्या हुआ कि आप जिस कर पर थे उसी पर हैं और साथ में आपको पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी आमदनी में जो एएच कमी हुई इसी का नाम दिया गया क्यू सी वी आई आई, पूरा नाम यहाँ लिख दिए हैं क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम, मैंने वस्तु आय में जो आप पेट्रोल लिए हैं क्वांटिटी उसी के क्षतिपूरक परिवर्तन किया गया, और क्षतिपूर्ति परिवर्तन मैंने जो क्षति हुई आपकी हुई एच पेट्रोल मिल गया, आई सी वन आप वहां भी थे यहाँ भी हैं, कॉन्स्टेंट रह गया वो आई सी वन पर, आई सी वन पर ए पर थे आप, सब कहानी होने के बाद भी आप आई सी वन के क्यू वन पर, इंडिफरेंस कर्व का जो भी बिंदु होता है सब एक समान होता है, तो ए बिंदु पर रहिए या क्यू वन बिंदु पर रहिए, 150 को बिंदु बना देंगे कहीं भी रहिए आपको समान उपयोगिता का स्तर प्राप्त होगा। तो एक नया टेक्निक निकाली सरकार कि आपको हम पेट्रोल दे भी दिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस्तेमाल किए लेकिन आप ए बिंदु पर थे आई सी वन पर, तो पेट्रोल लेने के बाद भी आप आई सी वन पर ही रहिएगा। ये कैसे संभव होगा, ये तब संभव होगा जब हम ए बी लाइन के एक समानांतर रेखा नीचे खींचेंगे और जहाँ भी स्पर्श करेगा वही बिंदु संतुलन का होता है, इकोनॉमिक्स में नियम है कि प्राइस लाइन टेंजेंट हो जाए तो वो संतुलन है, वो पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो सर, वही तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यू वन हो गया, तो इसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को आपने प्राप्त किया विद पेट्रोल और सरकार के खजाने में कितना चला जाएगा, ए एच जाएगा एकदम करेक्ट समझ रहे हैं आप, तो जैसे ही ए एच सरकार के खजाने में चला गया आपको पेट्रोल मिल गया, आप आई सी वन पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्राप्त करते हैं, आई सी वन पर आप क्या प्राप्त करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जगह बाएं दाएं शिफ्ट करके एक नया कंसेप्ट जन्म ले लिया है कंज्यूमर सरप्लस। अब इसका परिभाषा क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है एक प्रकार का आपके आय में परिवर्तन है जो सरकार टैक्स के माध्यम से करेगी, तो सरकार के पास दो गो माध्यम होता है, एक होता है टैक्स एक होता है सब्सिडी, सब्सिडी में आपके पॉकेट में रुपया डाल देगी और टैक्स में आपके पॉकेट से रुपया निकाल लेगी। सरकार का ये फिस्कल पॉलिसी है और सरकार का यही तरीका है कि हमको हेल्प करने का दो तरीका है, या तो आपसे हम कुछ ले ले या आपको कुछ दे दे, इसी को कहा जाता है टैक्स एंड सब्सिडी, करारोपण या कर तथा सब्सिडी, सब्सिडी को अंग्रेजी में भी सब्सिडी बोलते हैं हिंदी में सब्सिडी बोलते हैं और टैक्स को कर बोलते हैं। अनुदान हुआ सर हिंदी में, अनुदान तो ग्रांट हुआ ना, अलग अच्छा अलग चीज है, मतलब सर जब सरकार लेगी तो वो टैक्स हो जाएगा और जब देगी तो सब्सिडी हो जाएगी। हाँ, लड़की टैक्स है कि लड़का टैक्स है क्या घर में किसको हम लोग मानेंगे टैक्स देना पड़ता है सर, तो मतलब झारखंड में रहिएगा तो लड़की सब्सिडी नहीं है, वो टैक्स है, वहां आपको
लड़की है बारात लेके जाती है जी सर, वहाँ पे जो है तिलक उलक सब लड़की को ही मिलता है। हम गए हुए हैं उस शादी में, तो बारात जो है लड़की ही बारात लेके आई है, लड़का जो है कुर्सी पर चेहरा में बूंदा 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 लगा के मुकुट बैठा हुआ था, आई बजाते उतरी हॉर्स से जाके माला पहनाई शादी। पता है कि सब्सिडी और टैक्स दीज आर द टू कंपोनेंट्स इन फिस्कल पॉलिसी। अब हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसका बहुत सारा बात उसे पढ़ेंगे, अभी इतना ही मान लीजिए कि सरकार आपको कुछ देना चाह रही है और आपसे कुछ लेना चाह रही है, तो जो लेना चाह रही है वो टैक्स कहलाएगा। और सरकार आपको प्रेरित कर रही है कि नहीं आप डीजल लीजिए हम आपको पैसा, तो डीजल सब्सिडी। किसान को कहेगा कि हमारे पास डीजल का पैसा नहीं है, तो सरकार कहेगी इतना पैसा लो और डीजल खरीद के खेती में लगाओ। सरकार का उद्देश्य क्या है कि अगर सब ऐसी कहेगा कोई डीजल नहीं लगाएगा तो अनाज का उपज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, अनाज का उपज बहुत घट जाएगा। आ तब डॉलर दे करके अनाज मंगाना पड़ेगा अमेरिका से। जी जी डेफिसिट, अब वहाँ कहेगा कि कौन वाला गेहूँ दें, हॉर्स के खाने वाला दें कि सुअर के खाने वाला दें कि आदमी को खाने वाला दें, सबका कैटेगरी वहाँ बटा हुआ है। हमारे यहाँ कहता है करे हम लोग तो सब एक ही तरह का खाते हैं। हम लोग के यहाँ समाजवाद है, सब एक ही तरह का खाता है, तो कहता कि नहीं क्वालिटी अलग अलग हो जाएगा और अलग अलग डॉलर आपसे चार्ज करेगा। किसान हमारे देश का रीढ़ है, किसान का अगर देखभाल सही से नहीं किया जाएगा तो सब गगनचुंबी इमारत इमारत बड़ा बड़ा है वैसे ही धरा रह जाएगा। क्योंकि पेट में जो है स्टेपल फूड में हम लोग को चावल गेहूं ही चाहिए, या बर्गर जो है ठीक है खाता है खा ले उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिज्जा बर्गर जो है वो रेगुलर कोर्स में सब खाता है। तो इसलिए कहता है कि हर हालत में आपको अनाज का महत्व देना पड़ेगा। और जानते हैं हम लोग यहाँ सब्सिडी क्यों देते हैं किसान को, महेंद्र आप बताइए तो जी। किसान को सब्सिडी सरकार क्यों देती है? हेलो, उसको रुपया क्यों सरकार देती है बीज खरीदने के लिए? बीज खरीदने जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वगैरह है वो खरीदने पर सब्सिडी है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और आगे का हो गया, शुरुआत हो गया कि बीज खाद बीज सिंचाई तब इक्विपमेंट जी, इसी के लिए देती है जी। अब बताइए कि अमेरिका में सब्सिडी क्यों दिया जाता है? खेती नहीं करने का में तो सर मतलब ज्यादा उपज नहीं होना चाहिए। अमेरिका में सब्सिडी इसलिए दिया जाता है कि सरकार आपको कहती है कि आपको कितना बीघा जमीन है, आप बोले हमें इतना बीघा है, तो इससे आपको उपज होता है, तो बोलेगा कि मान लीजिए 50,000, तो ठीक है 50,000 रुपया आप डॉलर ले लीजिए और उपज मत कीजिए क्योंकि इस साल के मुताबिक हमको इतना ही उपज है। और वहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वहाँ उपज होना है तो होना है, ना होने का कोई बात नहीं है। बारिश होगी तो ऊपर से पूरा प्लास्टिक से ढक जाता है खेत, ऐसा है सर। तो जब से अमेरिका नॉर्थ अमेरिका यूरोप ये सब घूम करके आए हैं तब चुपचाप शांत रहते, पूछता है कि क्या करना चाहिए, हो रहा है सब सही है वहाँ तो सर। मतलब किसानों के पास एक ही जगह जमीन होता है ना 50 बीघा, और वही चीज है तो यहाँ वो होने ही नहीं देगा। अपने हम मार्जिनल किसान है ज्यादा 98% के आसपास, लैंड रिफॉर्म यहाँ नहीं होने देता है। अरे वो भी मार्जिनल, अमेरिका में भी कोई आकाश थोड़ी है, वो भी मार्जिनल लैंड था, छोटा प्लॉट था, सब करके एग्रीकल्चर को बना दिया इंडस्ट्री और सारा प्लॉट एक हो गया। अब जो प्रोविडेंट जो फायदा हो रहा है उसका परसेंटेज को बांट दिया। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर वहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर वहाँ जो है एक नंबर का है, हर किसान का जितना जमीन लगा हो 10% 15% उतना उसको
डॉलर मिल जाएगा, मिल जाता है कंपनसेंट, मतलब ये दे देता है कंपनसेशन जो है उसको मिल जाता है उतना, और कहता है कि अगर उपज आप कर दीजिएगा तो हमारे यहाँ अनाज का बाढ़ हो जाएगा और हमारे मुश्किल हो जाएगा, हमारा जो ग्रेनरी रखने का जो है जगह वो जगह परमिट नहीं कर रहा है कि इतना अनाज हो, तो आप क्या कीजिए कि आप प्रोडक्शन मत कीजिए और आपके खेत का $50,000 चाहिए, $50,000 सरकार आपको दे देगी, अब खेत को आराम से वैसे ही प्रकृति के गोद में रहने दी, उसमें भले एक साल अगर नहीं प्रोडक्शन करता होगा तो बफर स्टॉक उन लोगों के पास नहीं होता होगा अनाज का, जैसे अपने बफर स्टॉक तो है ही, उसके बाद भी ना बढ़ जाएगा, बफर स्टॉक जितना चाहिए उतना रखा हुआ है, अब जो इसलिए वो प्रोडक्शन नहीं करवा रहा है जी, हाँ इसलिए उसके पास सब चीज है, अपने यहाँ तो FCI में ही सर जाता है उतना अनाज, तो यहाँ स्टॉक है, यहाँ तो अलग है, स्टॉक सर जाता है, रखा हुआ है, ये सब बर्बाद होता है, सब बहुत बर्बाद होता है, उस पर बहस हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि देखिए किसी को कहिएगा उत्पादन नहीं करने के लिए, उत्पादन नहीं करने के लिए आपको सब्सिडी दिया जा रहा है तो उसको आश्चर्यजनक लगेगा, वो समझ में नहीं करेगा कि क्या बात कर रहा है, पागल है क्या, उत्पादन नहीं करेंगे तब तो हम लोग सब खाएंगे, मानसिकता जो है हम लोगों का विकसित मानसिकता नहीं है, निगेटिव सोचने लगते हैं, अपने हित में सोचते हैं, राष्ट्र के हित में नहीं सोचते हैं, ये सब बेसिक कारण है जिस कारण से आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ गरीब नहीं है, वहाँ भी गरीब है, क्योंकि वहाँ का गरीब जो है दूसरे तरह का गरीब है, और वहाँ क्या है जैसे यहाँ पर आप बेरोजगार हो गए तो कहता है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहता है ना जी जी, वहाँ कहता है, वहाँ बेरोजगारी भत्ता नहीं बोला, वहाँ बोलता है इम्प्लॉयमेंट भत्ता, रोजगार भत्ता, जैसे अभी जो जो वहाँ कोरोना में है ऑफिस नहीं जा रहा है क्योंकि कंपनी उसको निकाल दी, तो वहां पर एक ऑफिस है जहां के अप्लाई कीजिए कि कंपनी हमको निकाल दी, तो पूछेगा कि कितना सैलरी वहां मिलता था, तो बोला कि $3,000, कहा ठीक है इसको 3,500 कर दो, मैंने 500 बढ़ाइए के दो और ले जाइए चेक डॉलर ले जाइए खाइए पीजिए, यहाँ वैसा हो यहाँ वैसा हो तो जहां पर ऑफिस होगा वहां पर दो चार आदमी हुआ कि लाखों आदमी आ जाएगा, लाखों आ जाएगा, लाखों आ जाएगा, ऑफिस से ही ला देगा उतना दे भी नहीं पाएगा सर, तो अमेरिका में मतलब वो तो रोजगार करना नहीं चाहेगा फिर उसको ऐसे ही मिल जा रहा है $3,500, यही सोचिए ना, तो वहां क्या है कि रोजगार को कहा जाता है हायर और निकालर को कहा जाता है फायर, तो हायर एंड फायर क्या करता है, हायर एंड फायर दोनों टेलीफोने पर करता है, अच्छा टेलीफोन पर आपसे बात किया हो गया जैसे हम ही हैं तो अभी तो हम ये क्या है हरी क्या नाम है नाम इसका बोल चौहान हरी गोविंद चौहान का चेहरा हम देख लिए अभी तो पहचान जाएंगे, लेकिन महेंद्र का चेहरा हम नहीं देखे हैं, आवाज देख सुन रहे हैं, वहां क्या है कि हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का अपना एक कोड नंबर है, और वही कोड नंबर क्या चीज जानते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वहां के कोर्स के सिलेबस में ड्राइविंग जो है डाला हुआ है, और तीसरा चौथा क्लास से वो पढ़ना शुरू करता है, अब प्रैक्टिकल में ड्राइविंग करने का है तो स्कूले में बच्चा को कार चलाना सिखा देता है, वहां पर जितना व्यक्ति है हर व्यक्ति के पास एक कार है, कहीं कहीं कोई व्यक्ति है उसके पास तीन कार है तो वो धनवान हो गया, एक कार वाला गरीब हो गया, ये गरीबी है, वहां स्टूडेंट गया उसको कार है, रिलेटिव हम गए हुए थे तो बेटा का कार है उस पर चढ़ के पूरा घूम फिर रहे हैं, कहता है कि कोई भी इकोनॉमी में सब्सिडी जो है अनाज उत्पादन इतना नहीं बढ़ के हो जाए कि हमें सड़ जाए फेंका जाए रखने का जगह नहीं,
इसलिए सब्सिडी उन्हीं को दिया जाता है जिसको कहा जाएगा कि आप अनाज का उत्पादन मत कीजिए। उत्पादन कर रहे हैं तो कीजिए, उसके लिए सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार देख ली कि कितना आदमी के खेत को परती रखेंगे तो हमारे यहाँ अनाज का ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, बफर स्टॉक से ज़्यादा नहीं होगा, समुन्द्र में फेंचना भी मनाही है। पहले अनाज उगता था, कानून नहीं था, तो एक्सेस हुआ तो समुन्द्र में फेंक दिया, समुन्द्र में फेंक दिया तो मछली और बना के खा के मर गई, ज़्यादा एक दिन से मर गई, पोल्यूशन हो गया, वो सब मनाही है। 1955-56 के समय में जो सरप्लस अनाज था वो किसको दे दिया जानते हैं? नेहरू जी का उस समय जमाना था 1951 में, तो नेहरू जी बतिया लिए कि जितना आपका एक्सेस अनाज है वो सब जो है इंडिया को दे दीजिए। अमेरिका में एक नियम है जिसको कहते हैं PL 480, पब्लिक लॉ 480 में है कि अनाज जो है आप उठा के जाइए, भाड़ा आपको अपना लगेगा, अनाज का पैसा हम नहीं लेंगे, वहां से उठा करके इंडिया में आ गया अनाज। अब अनाज में लाया तो यहाँ PDS चला दिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, और सबको अनाज देने लगा कम दाम पर। लाया है क्या, केवल भाड़ा देके लाया है, दाम थोड़ा सा कम कर दिया बाजार से तो लोग राशन के दुकान से लेने लगा सस्ता दर पर। सरकार के खजाना में पैसा क्या हो गया, घटेगा कि बढ़ जाएगा? सरकार के खजाना में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना सर, बढ़ जाएगा, क्योंकि तो केवल उसको ट्रांसपोर्टेशन लगा कॉस्ट लगा है बस, असली जो गेहूं है उसका पैसा लगा नहीं, नहीं। और यहाँ तो करोड़ों लोगों से हल्का भी थोड़ा सा दाम बढ़ा के लिया, घटा के लिया तो काबा दाम कम दाम है, बाजार से दाम कम है, तो बाजार से दाम कम है तो लेने में उसको कोई आपत्ति नहीं है। और सब आदमी को राशन कार्ड सबके पास था, ये नहीं था कि कोई गरीब है तो उसको BPL कार्ड है या कोई अमीर है तो APL कार्ड है, ये सब बाद में जन्म लिया। उस तो जमाने में तो फायदा हो गया सर, जनता तो अमेरिका को फायदा हुआ कि वहाँ ये अनाज जो है जो बर्बादी के कारण होता, रखने का जगह नहीं है, सड़ रहा है, पोल्यूशन होगा, कहाँ फेंके इसको। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि पूरा नॉर्थ अमेरिका हम घूमे हुए हैं, यूरोप में घूमे हुए हैं, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, हॉलैंड सब जगह गए हुए हैं, कुछ जगह पढ़ाने के लिए गए, कुछ लोग घूमने के लिए गए, सब देख के यही अंदाजा लगता है कि उस सब देश को एक बार जीवन में घूम आइए, देख लीजिए, ताकि पता चले कि इस तरह से भी लोग रहता है। हम पूछे कि भाई अलमारी ऐसा रोड के किनारे का है, कहा कि अलमारी है नहीं है, ये कि अगर आपका कोट पहन के आप उब गए हैं तो इसी में कोट, शर्ट पैंट अगर आप पहन के उब गए, क्योंकि वहां आपको पोल्यूशन नहीं है तो चीज आपका खराब होगा नहीं, या नया मॉडल का फिर आ जाएगा, तो रखने का घर में जगह नहीं है उसको, क्योंकि घर का जो साइज है, जो भी साइज है, एयर कंडीशन है, तो उसमें एक्स्ट्रा कोई सामान लोग नहीं रखता है, नहीं तो एयर कंडीशन पर असर पड़ जाएगा, तो भीतर उतना ही सामान रहना चाहिए जितना की जगह है, कोच कोच के कहीं भरिएगा नहीं, तो फालतू शर्ट जो है ले जाके उसी में डाल दीजिए। ट्रक आता है जिसे कूड़ा ले जाता है, उसे खोलता है और सब लाद के ले जाता है। अगर आप मान लीजिए कि कोई सोफा सेट नया खरीद लिए, तो पुराना सोफा सेट अब क्या कीजिएगा, फेंकिएगा, तो फेंकने का आपका खर्चा लगेगा, उसको गाड़ी बुलवा के लदवा के आपको ले जाना पड़ेगा। तो क्या करता है कि सोफा सेट को नीचे में ग्राउंड फ्लोर में एक जगह रख देगा और उसमें साट देगा स्टिकर कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको ले जाना है ले जाए। एक दो दिन तक इंतजार करेगा, दो दिन में कोई ना कोई आएगा जिसके पास नहीं है वो ले जाता है, उठाया लेके चला गया। आश्चर्य होगा हम खड़ा होकर देखे हुए हैं अमेरिका, जूता जो है, जूता है, बैट है, बूट है, जूता है, हेलमेट है, बहुत सारा चीज जो है गैरेज के बाहर में सजा के रख दिया संडे के दिन,
और उसमें लिख दिया है कि जो मन करे ले जाइए, बहुत अच्छा सिस्टम है। अब हम लोग के यहाँ जो है उसको कहाँ फेंके, बहुत मुश्किल है, अलमारी का अलमारी का प्रश्न। आप फेंकने जाइएगा तो कहेगा कि मरा हुआ है कि जिंदा का है, कहाँ से लाए, चोरी का है कि फिर भी देखिएगा पुराना बाजार में बिकता है। लेकिन ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि आप अपना उतार के रख दीजिए वहां से ले जाए, और वहां देखे जगह जगह अलमारी ऐसा खड़ा है और उसका मुंह ऐसा खुला हुआ है कि इसमें आप शर्ट पैंट कोट डाल दीजिए। अब बिहार का आदमी सब तो चालाक होता है, तो देखिएगा कि पटना मार्केट के सामने में खूब अच्छा अच्छा कोट सब बिकता रहता है जारा में, और उसके भीतर में देखिएगा लिखे रहता है स्टिच्ड इन लंदन, स्टिच्ड इन न्यूयॉर्क, मतलब कि न्यूयॉर्क में सिला हुआ है। अब वो आदमी कहता है कि भाई तो विदेश का है। अब वहाँ वाला का पहनिएगा, रात में सूतिएगा तो भले आपको कुछ महकने लगे ये हो उसका इंडिया को डंपिंग कंट्री बोला जाता है, और यहाँ से सबको खरीद करके ले आता है कबाड़ के रूप में, और यहाँ एयरपोर्ट पर ये पानी वाला जहाज से लाता है, और यहीं पर उसको थोड़ा बहुत हर कपड़ा को थोड़ा थोड़ा धागा उघाड़ देगा, धागा उघाड़ने का मतलब हो गया कि डैमेज्ड, तो एक पैसा डिस्चार्ज कम से कम दाम पर वहां से यहाँ आ गया। यहाँ फिर सुई तागा से सिल दिया। हमारे यहाँ घड़ी खराब है तो घड़ी साज के पास ले जाइए, आँख में शीशा वाला एगो चश्मा लगा के और देख के ठीक कर देगा। वहाँ कहते थे तो हंसता था कि ऐसा संभव है, संभव है, हर गली में ऐसा दुकान वहाँ है। हालांकि अब घट रहा है लेकिन है अभी भी। तुम लोग को देखियो कभी कि आँख में चश्मा में लगा के घड़ी देख हाँ के सर, ठीक कर। देखें, देखें। पहले तो ऐसा ही ना होता था। तो शुरू में हमको गरीब देश का समाज के बहुत उल्टा सीधा बतियाता था, तो यही सब कहानी सुनाते थे तो चुप सब सुनते रहता था, कैसा होता है, एकदम ऐसा ही होता है। हम कहे कि हम लोग क्या गरीब जो है ना उसको हम लोग पूजा करते हैं, वर्शिप। पूजा क्यों? हम कहे कि हमारे यहाँ का कंसेप्ट है कि कब क्राइस्ट आ जाएंगे किसके थ्रू कहना मुश्किल है, मुश्किल। तो क्राइस्ट इसलिए बोले कि समझ जाएगा कि भगवान भगवान है। कहा ऐसा होता है कि यस, हजार हजार आदमी को हम लोग खिलाते हैं और उसका नाम होता है भोज, और उस भोज का पर्पस कुछ नहीं है, वो भंडारा है एक तरह से, पुअर पर्सन लोग आता है पुअर पर्सन के लिए। जी जी, तो हम लोग पुअर पर्सन को वर्शिप करते हैं। तो वो हमको कहा कि आई वुड लाइक टू टॉक यू इन डिटेल। हम कहा ठीक है, डिटेल में कीजिएगा, ये सब उसके कंसेप्ट के बाहर है, और उसका जो चीज है वो हमारे यहाँ कंसेप्ट के बाहर है। कोई अच्छा अच्छा कोट जाकर रखावे, यहाँ तो आप खाली कोट को बाहर छोड़ दीजिए और रात में छुप के देखते रहे कोई आवेगा लेके चल देगा। खेत में खुरपी और टोकरी लोग रखना छोड़ गया, गांव में भी ले लेता है खुरपी टोकरी कोदारी सब जो है खेत में छोड़ के लोग नहीं आता है, वो कंधा पर लेके रोज आवेगा लोग जाएगा। लेकिन जब पंजाब में गए तो देखे थे है लेके जाता है कि नहीं, लेता है ना, चोरी कर लेता है। अब चोरी वर्ड कैला बोलेंगे, ले गया, जरूरत है ले गया उसको, चोरी करने का वर्ड मत बोलिए, उसको जरूरत था कुदारी का ले गया, अब ले जाके अपना खेत खोदेगा। जरूरत बोला जाए सही बात, जरूरत है। आप देखिएगा बैंक के आगे साइकिल लगाइएगा, अंदर जाए बाहर सबका साइकिल है, आपका साइकिल गायब, बड़ा आश्चर्य भी है, हमारा ही गायब हो गया, सब जगह इस तरह का है। तो कहता है कि इकोनॉमी में सब्सिडी दिया जाता है, हम लोग के देश में सब्सिडी टू ऑल फार्मर्स। अब अनाज बहुत ज्यादा उपज हो गया तो फार्मर भिखार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको रखने का जगह नहीं और उतना कुवत नहीं कि पूरे को लाद के बहुत बड़ा दूसरे शहर में ले जाए, खेत में सड़ जाएगा, घर में ले जाएगा वहां सड़ जाएगा। देखिएगा बहुत किसान बोरा का बोरा प्याज फेंक देता है बाहर, टमाटर अभी इसका देखे कि दाम कम हो गया तो फेंक दिया टोकरी में बाजार से, फेंका रहता है, क्योंकि कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कितना उपज होना चाहिए, कौन कितना उपज करे। और इसका कारण है कि
जमीन हम लोगों के लिए माँ के समान है। कंसेप्शन जो हम लोग के यहाँ गाँव में है को लैंड को कितना भी पैसा दीजिएगा वो देने को तैयार नहीं हुआ। उसका कंसेप्शन है कि हमारी माँ के समान है, हम भूमि को बेचेंगे। तब कहता है कि जो गांव पिछड़ा हुआ होता है वो लैंड माइंडेड होता है, कैश माइंडेड होता है, गोल्ड माइंडेड होता है। पिछड़ा हुआ आदमी जो होता है वो लैंड माइंडेड होता है, गोल्ड माइंडेड होता है और कैश माइंडेड होता है। वो एटीएम फेटीएम में नहीं जाएगा, घरे में रखे रहेगा, निकालेगा, खर्च करेगा। तो कहता है कि इकोनॉमी में कंज्यूमर सरप्लस इसलिए इसको कहा गया कि आपको एक फायदा हो रहा है कि आप पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकार को फायदा होगा कि आपसे हम उतना ही रकम लिए जिससे कि आप IC1 से IC2 पर ऑटोमेटिक चले नहीं जाइए। आप IC1 पर के आदमी हैं तो IC1 में ही रहिए। कभी कभी जानते हैं रेलवे में एक बार नियम बना दिया था कि सीट रहेगा तो थर्ड क्लास में अगर आप हैं ना तो आपको सेकंड क्लास में प्रमोट कर देगा। अचानक टीटी आए आके कहेगा कि सुनिए आपका ही नंबर है, आप चले जाइए AC2 में। आप कह रहे हम तो AC3 का लिए हुए, तो नहीं वहाँ खाली है, आप वहाँ चले जाइए। तो इस तरीके का होने का एक ट्रिक चलाया, ये सब कुछ दिनों के लिए चला, उसका तो सीट से ज़्यादा आदमी ही है टिकट लेने वाला। तो कहता है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वह रकम है जो कि व्यक्ति से लिया जाए जब उसको पेट्रोल या कोई भी चीज़ सरकार देती है लेने के लिए, तो उसके बदले में रकम डायरेक्ट नहीं लेती है, उतना ही पैसा लेगी जिससे कि वो IC1 पर इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ की कीमत रेखा स्पर्श करती है इंडिफरेंस कर। यहाँ पर इंडिफरेंस कर को स्पर्श कर रही है दो जगह पर, एक कर रही है Q2 पर और एक कर रही है Q1 पर। Q1 और Q2 कहा कि Q2 पर आप नहीं जा सकते क्योंकि Q2 जो है IC2 पर है और आपका ओरिजिनल पॉइंट है ए, ओरिजिनल पॉइंट है ए जो IC1 पर है, तो आप ए पर ही कहीं रहिए। तो कहाँ रहेंगे? तो उसका इकोनॉमिक्स से नियम है कि प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर, प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हाउ डू यू फाउंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन ओनली व्हेन प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर। दिस डायग्राम HH1 इज टेंजेंट टू Q1 ऑन IC1। द फुल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इज IC1 Q1। Q1 पर ही रहेगा, उससे ना बाएं हटेगा ना दाएं हटेगा। महेंद्र यादव आपको याद हुआ, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। आ गया ना? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम आगे बढ़े? जी सर बढ़िया। तब देखिए अभी हम लोग जो सामान दिए थे वो सामान था नहीं, और कौन सामान हम लोग लाए बाजार में? पेट्रोल। कौन सामान है बाजार में? पेट्रोल। पेट्रोल, जोर से बोलिए। पेट्रोल बाजार में कौन सामान लाए? पेट्रोल। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें होगा कि बाजार में पेट्रोल है और सरकार छीनने के फेर में है कि नहीं साहब युद्ध छीनने वाला है, पेट्रोल जमा करके रखेंगे, किसी को पेट्रोल नहीं देंगे। तो केस पलट गया ना, पहले में पेट्रोल नहीं था, वो पेट्रोल दिए और उससे हम इनकम, उसके इनकम में से AH ले लिए। अब इसका उल्टा केस देखेंगे, तो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है आराम से, अचानक निर्णय हुआ कि नहीं साहब पेट्रोल मिलिट्री इस्तेमाल करेगा, पेट्रोल आप छोड़ दीजिए। कहा वाह, तब हमारा कहा कि हम आपको जो पैसा है रुपया है वो हम आपको देंगे, और जिस इंडिफरेंस कर पर आप थे वहीं रहिएगा विथ जीरो पेट्रोल। अच्छा देखिए इस चित्र में
जीरो पेट्रोल के साथ किसी डिफरेंस कर पा रहा है? IC1 पे। IC1 के किस बिंदु पर? ए पे, ए पर। तो ए बिंदु को क्या कहा जाएगा? जीरो पेट्रोल। पूरा पैसा ओए उसके पास पैसा है, लेकिन पेट्रोल क्या है? जीरो है, उपभोग जीरो है। हाँ, उपभोग जीरो है, पेट्रोल ही नहीं है उसके पास। अब हम लोग इसको नाम दिए हुए हैं क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम। अब अगला में नाम इसका बदल जाएगा, इसका नाम जो है अब रखा जाएगा, इसका नाम क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम, मतलब कि क्यू ई वी क्वांटिटी क्योर वेरिएशन इन इनकम, क्यू ई वी डबल ए। अब यहां देखिए, यहां पर क्या हम लोग ले रहे हैं, चार्ज हुआ क्या ये 25.4 स्लैच है। थैंक यू फॉर दैट ओवरड्यू।
अब देखिए यहाँ हम लोग का स्टार्टिंग हो रहा है कि जनता जो है पेट्रोल का इस्तेमाल कर रही है और उसके पास आमदनी है OA, और उस OA आमदनी से YC2 के Q2 बिंदु पर संतुलन प्राप्त कर रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके उसके पास जो आमदनी है उसके पास आमदनी कितना है, OA प्राइस लाइन क्या हो गया, AB प्राइस लाइन टेंजेंट है IC2 से किस बिंदु पर, Q2 पर। तो स्टार्टिंग में कंज्यूमर जो है Q2 पर है, स्टार्टिंग में कंज्यूमर कहाँ है, Q2 पर है, स्टार्टिंग में कंज्यूमर कहाँ है, Q2 पर है, स्टार्टिंग में कंज्यूमर कहाँ है, Q2 पर है। बात को ध्यान से समझिएगा महेंद्र जी। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, उसके पास पॉकेट में है OA रुपया और AB प्राइस लाइन है उसके सामने, AB प्राइस लाइन इन डिफरेंस कर्व 2 को स्पर्श कर रहा है Q2 पर, नियम के मुताबिक वो Q2 पर संतुलन को प्राप्त करेगा, इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा, आराम से जिंदगी गुजार रहा है। अब आप देखिएगा रेलवे लाइन के बगल में जो क्वार्टर रहता है उसमें रात को सोइएगा अगर, तब कोई तेज गाड़ी वाला ट्रेन गुजरेगा इंजन तो घर उनका हिले लगता है, सब चीज खिड़की दरवाजा जिस पलंग पर आप सोए हुए हैं, तो ऐसा अगर अनुभव नहीं है तो कोई दोस्त से अनुभव लीजिएगा, पूरा घर हिले लगेगा। लेकिन किसी को उसका ओरिजिनल रहने वाला है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से सोया हुआ है। और हमारे लाइफ में एक बार ऐसा चांस आया था, तब उठ के बैठ गया, देखे कि जिस पलंग पर है वो भी हिल रहा है, ट्रेन जब क्रॉस कर गए तो फिर सब शांत हो। तो इसी लोग यहाँ कि OA इनकम है उसके पास, आराम से उसके सामने में प्राइस लाइन ए भी बाजार में प्राइस लाइन टेंजेंट हो गया Q2 पर, Q2 से एक लंब गिराए तो M हो गया, तो OM पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है। उपभोक्ता पेट्रोल कितना इस्तेमाल कर रहा है, OM, और उसका आमदनी है OA प्राइस लाइन AB। अचानक सरकार निर्णय लेती है कि अर्जेंट कारण से पेट्रोल भाई आप लोगों को हम लोग नहीं देंगे। अब देखिएगा हमारे देश में 84% पेट्रोल विदेश से आयात करते हैं जी, इंपोर्ट होता है। 16% पेट्रोल अपना है, ये अलग बात है कि अभी तक कोई ऐसा मौका आया नहीं है, आराम से पेट्रोल वहां निकलता है, हमारे यहाँ आ जाता है, हमारे यहाँ वो टैंकर समय रखाता नहीं, वो बड़ा बड़ा अंडरग्राउंड बना हुआ, उसे भर दिया, बना हुआ रहता है, अंडरग्राउंड भरा हुआ है वहीं पर, फिर वहां से पाइपलाइन से चला जाता है। बरौनी में आता है ना, बरौनी में पेट्रोल साफ करने के लिए आता है, कहाँ से आता है, आसाम से, डिगोई, हाँ आसाम से पेट्रोल आ गया बरौनी में साफ होने के लिए। उसी तरह से आसाम में पाइप लगा दे तो पानी ज्यादा हुआ तो हम लोग यहाँ आ जाए। अब वो समय आवेगा कि प्लास्टिक का जो आजकल आ गया हुआ है पाइप, सब बहुत मजबूत पाइप है, बहुत यूजफुल भी रहता है, कुछ और नहीं, उससे पानी बर्बाद भी नहीं होगा। कह रहा है कि आपका बहुत पानी 30% पानी वेस्टेज चला जाता है जी। पौधा को देना है एक गिलास तो कहोगे पानी पटा दो, 3 गिलास डाल देगा और पानी बहते हुए बाहर जा रहा है, कोई आदमी नहीं आया, छल के गिर जाएगा गेट पर, उसको क्या पता है पानी गिरा हुआ, हर के गमला से पानी को बहते हुए आप देख सकते हैं।
क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कितना पानी उसके जड़ को चाहिए। तो ड्रिप फार्मिंग जो है, हमारे वीडियो में इजराइल पर बनाए हुए थे तो उसमें देखे, देख के दंग रह गए कि वहाँ इजराइल जो है अभी विश्व में वो उसके ऐसा अमेरिका से भी आगे है। एक एक पेड़ में कितना टमाटर होगा ये पहले से काउंटेड है, इसलिए वो ऐसा ही डब्बा लाएगा कि उसमें से पूरा टमाटर निकालेगा और डब्बा भर जाएगा, इतना काउंटेड है हर चीज का। पानी जड़ में देना है तो पाइप से, पाइप में एक छेद है जो उसके जड़ के पास छेद है, पानी वहीं से उसके टिप 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 गिर रहा है, ड्रिप फार्मिंग। और हम लोग के यहाँ भी आ गया है जो कि आकाश में ऐसे ऐसे नाच नाच करके पानी पटाता है, तो नाच नाच के पानी पटाता है तो पौधा को लगता है कि वो इंद्र भगवान वाला पानी हो रहा है, लेकिन यहाँ तो लोकल पानी है ही। लेकिन वो भी समझता होगा, पौधा भी समझ रहा होगा कौन तरह का पानी है। तो जगह जगह वो जो है स्प्रिंकल वाटर छिड़कता है, स्प्रिंकलिंग चारों नाच नाच के, फिर बंद कर देगा, फिर आगे जाएगा वहाँ नाच नाच के, फिर काम शुरू हो गया। लेकिन चाहिए कि एकदम एक ड्रॉप बर्बाद नहीं हो, वह स्टेज अभी नहीं आया है, और करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में पेट्रोल रहेगा लेकिन पानी खत्म हो जाएगा। तो सोचिए कि अभी ही पानी जो है 12 रुपये 14 रुपये में 1 लीटर पानी देता है, पानी बिकने लगा है, और होते होते अंत में पानी बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। कहता है कि ऐसे सिंपल है कि कितना भाग है, 3 भाग है पानी ना जी सर। हम लोग रहते हैं एक भाग, यूज बहुत, मतलब पूरा जो पानी बहुत एक बार मिलेंगे। पृथ्वी में 3 भाग में पानी है, 2/3। हाँ। तो इजराइल में क्या किया है कि वही पानी को, नमकीन पानी को कन्वर्ट मीठा कर दिया है जी सर, यूज और जगह जगह फैक्ट्री बना हुआ है, पानी यूज हो रहा है, उससे नमक निकल रहा है बाहर, बहुत डेवलप है वो कंट्री। तो अब वो सब चीज हम बोले थे एक आदमी को, तो कहा कि इंडिया में भी है, साउथ में भी कई जगह पर ऐसा प्लांट लगाया गया है, लेकिन वो छोटे स्तर पर होगा। प्लांट लगाया गया है छोटे स्तर पर होगा। आप देखे होइएगा कि जहाँ पर फूल का पौधा का या नाशपाती का या अंगूर का पेड़ पौधा है, तो उसी के बगल में शहद का बक्सा रखा रहता है, और वो जाता है और नारंगी के पौधा पर जाकर के रस चूसता है, और फिर नारंगी का जो बागान है उससे थोड़े दूर हट करके बागान है शहद का, वहाँ कुछ नहीं है, खाली थोड़ा पानी रख दिए हुआ है, सब डब्बा सब है, और डब्बा में है मधुमक्खी उड़ के जाती है और उसके नारंगी के पौधा में से चूस के ले आया। धीरे धीरे जो है शहद का उत्पादन होने लगा, साथ साथ दोनों चीज। हाँ, लेकिन वो नारंगी वाला जो है वो कभी भी इससे पैसा मांगने नहीं आता है कि आप जो शहद उत्पादन कर रहे हैं वो हमारे खेत में जो फूल लगा हुआ है नारंगी का उसके कारण है, ऐसा वो कहेगा, कहेगा नहीं साहब हमारा आपके हाथ से नहीं लाता है, कोई उसका सिस्टम नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, मुजफ्फरपुर में लीची की खेती होती है, लीची का उत्पादन होता है, उसी से दूर दूर पर जगह जगह लीची का शहद। अब लीची का जो पेड़ वाला मालिक है उसको शहद वाला जो है 1 पैसा भी नहीं देता है। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है एक्सटर्नलिटीज बाह्यता, एक्सटर्नलिटीज बाह्यता, इसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं कि आपको कुछ नहीं दिया, आपके लीची के पेड़ पर से या आम के पेड़ पर से या नीम के पेड़ पर से वो शहद चला गया, और देखिएगा कि उसी तरह का स्वाद शहद में भी होगा।
उड़ीसा में चले जाइएगा, वहाँ जितना शहद है नीम के पेड़ के नीचे वाला रहता है, तो लिखा रहता है कि नीम नीम का शहद, तो जो खाइएगा तो नीम का महक उसमें आवेगा, वो सब जो खाने वाला खाता है। और लीची वाला दीजिएगा तो लिखे रहेगा कि लीची का, गांधी मैदान में मेला लगता है तो उसमें शहद उद्योग वाला भी आता है, तो लिखे रहता है लीची का शहद, मुजफ्फरपुर का लीची है उसका शहद निकाल लिया, लेकिन लीची बगान वाले को कुछ भी देता है, महेंद्र? कुछ नहीं देता है सर उसको। जी लेकिन सच्चाई है कि उसी के लीची के पेड़ से जी लेके बिल्कुल लेता है। इसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, कि बिना कुछ आपको दिए हुए आपका शहद का बक्सा भर गया शहद से, आपने कुछ नहीं पेमेंट किया, जी तो आपको सर्विसेस मिल रहा है लेकिन आप पेमेंट कुछ नहीं किए, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, धनात्मक बाह्यता, एक्सटर्नलिटीज बाह्यता, धनात्मक बाह्यता है। आपके यहाँ शहद का पैकिंग पैकिंग हो रहा है, लिख रहे हैं लीची का शहद, रे लीची का पेड़ तुम्हारा है नहीं एको गो, तो लीची का शहद कैसे हो गया? नीम का शहद, नारंगी का शहद। इसलिए आप देखिएगा शहद जो अलग अलग वैरायटी का लीजिएगा उसमें अलग अलग टेस्ट आएगा, आप पतंजलि का लीजिएगा तो उसमें हर तरह का मिक्स टेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका तो हरिद्वार के पास हर तरह का फूल है, कौन चूसा किसका लाके डाला उसका कोई शीशा लगा के बैठा हुआ है, तो टेस्ट आपको अलग हो जाएगा, डाबर का खाइएगा टेस्ट अलग होगा। तो कहाँ से वो रस को चूसता है इस पर शहद का टेस्ट निर्भर करता है, जी बात फॉलो कर रहे हैं? इसी जी को मार्शल ने थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा आपसे पूछ देगा व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज, तब बोलिएगा एक्सटर्नलिटी जो है इसको बाह्यता कहते हैं, यह एक प्रकार का लाभ है जो हमको मिल रहा है, हम उसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। बोलेगा उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण दीजिए कि शहद का उदाहरण दीजिए कि शहद का जो बक्सा लेके बैठा रहता है खेत में, 50 बक्सा एक भी फूल का पेड़ नहीं है, और सब में शहद है, और झुंड का झुंड उड़ के जा रही है, अब कहाँ जा रही है, पूरब जा रही है कि पश्चिम जा रही है, किसका चूस के ला रही है, और फिर आके चली आई, और देखिएगा ठीक 1 महीना में इतना शहद उसका निकलता है। उसी तरह से देखिएगा कि पानी वाला जहाज जो है वो गुजर रहा है, अचानक उसको लाइट हाउस नजर आता है। जी आपने में से कितने लोग समुन्दर को देखे हुए हैं? देखे हुए हैं सर, हम तो यहीं पे है, समुंदर देखे हैं जी। महेंद्र बोल रहे हो? जी हाँ, तो तुम तो देखे ही होगे, और लोग कोई समुंदर देखे हैं कि नहीं? सर हाँ देखे सर, हैं। देखे हैं। हाँ सर, देखे हैं। तो समुंदर का जो किनारा होता है वहां पर एक बड़ा सा लंबा मकान लाइट रहता है, उसके ऊपर लाल बत्ती रहता है, जलते उसी को रेड लाइट रहता है, और उसी को बोला जाता है लाइट हाउस। एसी पिगू ने इसका एग्जाम्पल दिया है, एसी पिगू मार्शल के बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, मार्शल थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट लंबे अवधि तक रहे, लेकिन जब वो रिटायर किए तो एसी पिगू हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए, एसीपीयू के बाद रॉबर्टसन है, उसके बाद केन्स है, तो एसीपीयू ने उदाहरण दिया है लाइट हाउस का। और अमेरिकन अर्थशास्त्री जो है वो मधुमक्खी का उदाहरण देता है। तो अब इस पर अब चर्चा चल रही है कि भाई जिसके पेड़ से जूस चूस लिया उसको भी कुछ मिलना चाहिए, अगर आप कुछ दीजिएगा उसको तो पेड़ को और सुंदर से पाले पोसेगा, उसको कटनी करेगा, उसके जल डालेगा, ज्यादा इरिगेशन मात्रा करेगा, में कीटनाशक लगाएगा, ज्यादा ताकि मात्रा लगाएगा, तो हो जी, सकता है कि लीची का पेड़ 2 के बजाय 4 हो जाए, 4 के बजाय 8 हो जाए, तो 8 हो जाए। हाँ
शहद की मात्रा भी बढ़ जाएगी या इसकी भी मात्रा बढ़ जाएगी? दोनों का म्यूचुअल बढ़ जाएगा फिर। लेकिन यहाँ मांगने जाएगा तो लाठी चल जाएगा लेकिन देगा नहीं एको पैसा। कहता है ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। उसी तरह से अगर आप रह रहे हैं नेशनल हाईवे के बगल में बनाए हुए एक मकान में, आप देखिएगा कि दिन रात वहां से ट्रक गुजरता है, बस गुजरता है, और उसका इतना प्रदूषण है कि वहां रहने वाले आदमी को अगर रह गया 25 साल तो उसको कैंसर का बीमारी, टीबी का बीमारी, हार्ट का बीमारी, कुछ बीमारी हो जाएगा। अमेरिका में या यूरोप में हम सब जगह जाके देखे हैं कि नेशनल हाईवे है ना, तो शहर से अगर नेशनल हाईवे गुजर रहा है तो दोनों साइड ऊंचा बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल क्या कहिए, वो बहुत ऊंचा कि उसके ऊपर तो हवा जाएगी ही नहीं, और लगातार वैसे ही ऊंचा लेफ्ट और राइट दोनों दीवार है या बीच में रोड जा रही है। और जब बाउंड्री वाल खत्म होगा वहां पर मान लीजिए खेत है तो वहां पर लंबा लंबा वृक्ष लगा हुआ है ताकि खेत पर भी असर नहीं होगा धुआं का। बाउंड्री वाल के ठीक बगल में पीछे में काफी दूरी तक ले ऊंचा ऊंचा ट्री लगाया रहता है, पता नहीं पर्टिकुलर ट्री है, खूब ऊंचा ऊंचा रहेगा, उसका पत्ता भी कलरफुल रहता है और प्रदूषण को सोखता है। तो प्रदूषण को सोखता है। तो जो देखे कि पोलैंड में चढ़े और जर्मनी पहुंच गए ये कार से, वो कार था 21 सीटर वाला जो होता है, छोटा सा माटाडोर टाइप का सीट वाला, उसी से ले गया था। तो स्पीड था 130, 140, 150, और जानबूझ के ड्राइवर जो है एक गिलास पानी रख देता था उस पर। अब मैंने हम लोग को कहता था कि देखिए हिल नहीं रहा है एकदम, वो सब दिखाइए कहीं झटका गिर नहीं जाए, लेकिन कहीं झटका नहीं लगा, एकदम प्लेन रोड, एकदम प्लेन रोड, सीधा रोड। अब सबसे देखिए कि नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट गाड़ी का होता है तो गाड़ी के भीतर जो रहता है उसका सेफ्टी है कि बैलून खुल जाता है और बैलून से चोट नहीं लगता है जी। गाड़ी के बाहर एक भी रोड पर नहीं रहता है। अभी किसी को कहिएगा कि नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति रोड पर नहीं है तो उसको विश्वास नहीं होगा यहाँ, इसलिए नहीं कहते आपको। जानवर तो असंभव है, आप भी संभव नहीं है, ज्यादा है जानवर तो जो यहाँ पे सर। यहाँ का नेशनल हाईवे पर जब चलिएगा तो किनारे में एक बूढ़ा बैठ करके और बकरी को लेके बैठा हुआ है। और दार्जिलिंग हम लोग जा रहे थे तो उधर मकई लोग पूरा रोड पे ही मकई सुखा रहा था। मकई सुखाता है, धान सुखाता पुर्निया, है पूर्णिया घर जाइएगा तो खैनी सुखाता है। मजाल नहीं है कि कोई ट्रक वाला उस पर चढ़ा बोल देगा, हाँ नहीं बोल सकते हैं, लोकल है। रहता है वहाँ शीशा सब फोड़ देगा पूरा, जहाँ खैनी का उत्पादन होता है खैनी सजाए हुआ है, सुखा रहा है उसको, भुट्टा सजा रहा है, सजा फैलाए हुआ है, और चालक भी जान रहा है कि किस एरिया से जा रहे हैं। तो ये है, तो कहता है कि एक्सटर्नलिटी जो है कि आपको लाभ हो रहा है लेकिन आप कोई भुगतान नहीं कर रहे। और दूसरा क्या है, नेशनल हाईवे के बगल वाला रहने वाला आदमी, एक तक साउंड पोल्यूशन होगा, कुछ दिन के बाद सबका कान खराब हो जाएगा और वायु प्रदूषण होगा तो उससे बहुत तरह का बीमारी होगा। लेकिन इस बीमारी के करने वाला है ट्रक वाला सब, लेकिन कोई भी ट्रक ओनर से इस रेट इसके लिए कुछ पैसा नहीं लिया जाता है कि भाई आप इतना आदमी का हार्ट खराब कर रहे हैं, कुछ फंड दीजिए ताकि हम लोग उसको दे, साइड में रहने वाले को कंपनसेशन दे।
इम्प्योर पेट्रोल भी यूज करता है सब। और इम्प्योर पेट्रोल तो ये तो क्राइम है वो करता है, यहाँ प्योर पेट्रोल करने वाला से भी तो धुआं निकलेगा ना जी। हर गाड़ी का कंडीशन एक समान नहीं है, अलग अलग इक्विवेलेंट नहीं है कि एक तरह का वो प्रदूषण निकाले। तो कहता है कि अगर आप ऑटो है, ऑटो के पास आप खड़ा रहिएगा, वो क्लच छोड़ेगा, काला धुआं आपके ऊपर पड़ जाएगा। अब बदमाशी से नहीं, नॉर्मल वे में धुआं निकलेगा, आप पीछे खड़ा रहिएगा तब जलन ऐसा महसूस होगा। और ऑटो के सीट पर पीछे बैठने वाला समझिए कि वो रुमाल बांधे हुए, आजकल तो खैर नाक वाला पहन के बैठता है, सो पहले पूरा मुंह बांध के पीछे में पैसेंजर बैठता है, अचानक बेहोश होकर गिर गया। अब लोग कह रहा है क्या हुआ, मिर्गी आया ये आया। एक आदमी कहा कि इसका मुंह खोलिए ना, ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रहा है। उसका लपेटा खोला गया तो उठ के बैठ गया। इतना उसका धुआं लगता है कि लोग थोड़ा थोड़ा करके पूरा बांध लेता है मुंह। कहता है कि अगर आपको पोल्यूशन से बीमारी हो जाता है और पोल्यूशन करने वाला आपको कोई कंपनसेशन नहीं देता है और बीमारी कर देता है, क्योंकि आप ऐसे जगह रहे हैं, अब एयरपोर्ट के पास रह रहे हैं, अचानक इतना जोर से हवाई जहाज का उड़ने का आवाज होगा कि बच्चा कबू के बच जाए, बाद में बच्चों ट्रेंड हो जाएगा, कितना हवाई जहाज उड़े उठवे ना करेगा, ऐसा ढल जाता है। उसी तरह से आप देखिए कि पटेल नगर पटना में जो है वो ठीक जू के बगल में है, जो ये है ना संजय उद्यान की क्या नाम संजय गांधी जैविक उद्यान, उसके बगल का जो मोहल्ला सब है वहां चले जाइए तो वहां ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अच्छा लगता है ठंडा ठंडा भी, तो आजकल ऑक्सीमीटर बेचता है आप लोगों, कितने आदमी के पास है? हम लोग तो सर हॉस्पिटल में से ही यूज कर लेते हैं। नहीं, आप तो कर लीजिएगा, लेकिन हम अन्य लोग जो बैठे हैं उनसे जाना। नहीं, हम लोग तो नहीं, बहुत लोग नहीं खरीदे हैं ऑक्सीमीटर, पटना में लोग इतना कहाँ खरीदते हैं ऑक्सीमीटर। हाँ, तो अब खरीदना शुरू कर दिया है लोग, अहमदाबाद में लगा के देख लीजिए। हाँ, यहाँ अभी प्रचलित नहीं हुआ है। कितना लेवल है ऑक्सीमीटर जो है, बहुत थर्मामीटर घर में रहता है ना जी सर, उसी तरह से ऑक्सीमीटर रखिए, 1500 में देता है, और उसको उंगली में लगाइए बैटरी पर, जैसे लगाइएगा तो दे देगा 99। ऑक्सीजन सैचुरेशन 99 है तो मस्त होगा ना आदमी जी जी। अब लगा रहा है आ रहा है 45, घुसेर रहा है 5 बार 7 बार, वो 10 बार ना घुसे 45 से आगे कहानी खत्म है। तो उसके बाद मालूम हुआ कि उसका डेथ हो गया, तो हम पूछे कि तुमको पता कैसे चला कि डेथ होने वाला है, बोला कि पता चल गया ना, लगाए थे ऑक्सीमीटर तो 45 था। हम कहे पहले तो था 90-95, गिरना शुरू हुआ होते होते 2 दिन के अंदर अंदर भी स्थिति हो गई। अब हो सकता है कोरोना वोना का भी केस हो, कहा ना वो सब केस नहीं है, डरे लोग नहीं बोलता है ना, डरे कोई अबे ना करेगा, कोई आएगा नहीं। अब तो बहुत तरह का नहीं हो गया डेथ जो है किस कारण दो सुवा? केस में गिर जाता है सर, एक तो जो स्थमा वाला पेशेंट है उसका गिरता है, और एक अभी जो कोरोना वाला आता है उसका गिरता है, हाईली गिर जाता है ऑक्सीजन। हाँ, तो अस्थमा वाले का दोस्ती तो कोरोना वाले से ही है, दोनों रिलेटेड है। कोविड की क्या बोलता है उसको, COVID-19 नहीं, कोमोरबिड। अच्छा, कोमोरबिड कोमोरबिड माने दो गो बीमारी है उसको, एगो कोरोना का है, एगो अस्थमा का। तो इसलिए नापते रहिए और वो रखना चाहिए कॉन्शियसनेस के लिए, कि आप समझ जाइए कि आपको क्या करना चाहिए। अहमदाबाद में सर प्रत्येक 5 दिन पे अहमदाबाद में घर घर जो है काउंसलिंग करता है, पल्स ऑक्सीमीटर लेके, थर्मोमीटर जो है वो वाला खरीदिए लेके आता है, प्रत्येक मेंबर को चेक करता है, उसका एक चार्ट बना हुआ रहता है, घर नंबर, प्रत्येक मेंबर का नंबर, उम्र, एज सब लिख के ले जाता है।
वाह, बहुत अच्छा हर काम घर कर में। रहा। हाँ तो विकसित राज्य डेवलप है, है। हाँ डेवलप है यहाँ जिस पे। जी जिस राज्य के किनारे में समुन्दर हो वो राज्य विकसित कहा जाएगा, और जिसको समुन्दर नहीं है देखबे नहीं किया समुन्दर। बिहार में बहुत आदमी समुन्दर नहीं देखा है, लैंडलॉक तब वो स्टेट। बोलता है कि मोकामा का टाल सर ये वर्ल्ड का नंबर वन टाल है। काहे भाई, इतना पानी वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, हमके मोकामा के बाहर है कि नहीं, तो नहीं कहीं नहीं गए। तब सुनिए, मोकामा के बाहर नहीं गए तो कैसे कहते हो कि नहीं सर इतना टाल इतना पानी कहीं नहीं हुआ, नहीं, तो वही बिहार के चीज है। लोग, बिहार के लोग जो है ना सर, भ्रमण पे पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं जरा सा भी, ये टेंडेंसी है। और यहाँ जो गुजरात के लोग हमने देखा है 5 साल में, कि ये प्रत्येक 1 साल में इनका शेड्यूल रहता है, स्पॉट करते हैं किस जगह इस बार जाना है घूमने, 15 दिन 20 दिन। वो 1 साल से इंतजार करते रहता है कौन उस दिन आवेगा तो जाएंगे। और यहाँ पे ये जाते हैं हर 1 साल, देखते हैं ये लोग जाते हैं। बंगाल में भी जाता है, बंगाल में सबसे ज्यादा। बिहार में बहुत हम देखे हैं, बहुत 15 साल से तो पटना में हम भी रहे, कोई जाता उनका कोई ट्रिप नहीं होता है कि कहीं ट्रिप करना है साल में एक बार अजी कहीं। पैसे नहीं है तो कहाँ से ट्रिप नहीं, करेगा, नहीं मेन बड़े बात। बड़े पैसे वाले की भी बात करते हैं, है पैसा है वहां पे, जो पैसा वाला है वो बहुत बड़े बड़े पैसा वाला है, वो लोग तो जाता बहुत है। पैसा वाला है, लेकिन वो जाएगा जाता है, उसका ट्रिप है जय भोलेनाथ। जी बम बोल, वो भी सर इस बार नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ कोरोना की इस वजह बार तो नहीं हुआ है, लेकिन बोल बम जो है ना जी। उसका बहुत ज्यादा भ्रमण करता है वो, बिहार का वो सबसे बड़ा है। और कोई जरूरी नहीं है कि वो बाबा धाम ही जाए, कई जगह जैसे मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ का है, गरीबनाथ का मंदिर है, ठीक उसी तरह से है विशालकाय मंदिर है, और भी कई जगह पर है, लोग जाके जल से अर्पण करते हैं। अरे हर राज्य का अपना अपना खूबी है, अब जिस राज्य में समुद्रे नहीं है तो क्या करेगा, समुद्र रहा होता जहाज जाता है। अब जैसे गुजरात में हम पोरबंदर का पोर्ट देखे, आ खुद जो सोमनाथ मंदिर के पीछे जो समुन्दर है जी वहां पर सर। भी स्नान करता है, और कितना बड़ा है, और रात में देखेंगे हजारों हजार लाइट चमक रहा है, सब बहुत सुंदर बुक चबा लगता के है। लगा रहता है, तो वो सब है देखने का। तो कहता है कि वो बाजार में पहले से है मौजूद, पेट्रोल ले रहा है, पेट्रोल कितना ले रहा है, OM पेट्रोल ले रहा है। अब सरकार आ गई कही कि देखिए भाई अनाउंस किया जा रहा है कि कल से अब किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो जैसे पेट्रोल छिनाया तो उपभोक्ता Q2 से कहाँ चला जाएगा, ए पॉइंट पर, ए पे आ गया। ए पर आ गया, जितना पैसा था वहां आ गया जीरो, पेट्रोल पेट्रोल गायब। सरकार कहेगी कि आप हंगामा नहीं कीजिए, आप जिस डिफरेंस कर पर हैं IC2 पर उसी पर आप रहिएगा, आपका लेवल नहीं घटेगा, उसके लिए हम आपके अकाउंट में AH रुपया भेज देते हैं, पेट्रोल सब्सिडी, पेट्रोल विड्रॉल सब्सिडी, विड्रॉल विड्रॉल सब्सिडी, पेट्रोल विड्रॉल कर लिए तो विड्रॉ कर लिए तो विड्रॉल सब्सिडी आपको AH आपके अकाउंट में चला जाएगा। जैसे आपके अकाउंट में H पहुंचेगा तो आप किस डिफरेंस कर पर चले गए, IC1 से उठ के चल गए IC2 पर, क्योंकि IC2 का सट रहा है H पर। आप Q2 पर थे, आराम से रह रहे थे, पेट्रोल यूज कर रहे थे, पेट्रोल गायब हो गया आपके लिए, पेट्रोल नहीं है जनता के लिए। जैसे जीरो पर आइएगा तो आपकी आमदनी है A, तो आप A पर चले आए, A पर आए तो आप कहने लगे एक बात साहब, हम तो IC2 पर थे, हमको आप कि हम IC1 पर आ गए। सरकार कहेगी ठीक है,
हम आपको एच रुपया आपके अकाउंट में डालते हैं, तो आप जीरो पेट्रोल रहेगा लेकिन आईसी टू पर आप चले आइएगा, और इसका नाम पर नाम इसका देंगे क्वांटिटी इक्विवेलेंट वैल्यूएशन इन इनकम। और वो कितने के बराबर हो जाएगा एएच, कहा कि ये रुपया जो है हिक्स कहते हैं कि इसका नाम हम लोग आज से दे देंगे कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस को छोटा में हम लोग अगर लिखेंगे तो क्यू ई वी आई आई, और आपके आमदनी में ही प्लस कर देगा। उधर माइनस किया था पहले के चित्र में, इस चित्र में प्लस कर देगा, इतना इतना दे देगा, वो दे देगा। तो आईसी आईसी टू के ऊपर रहिएगा जीरो पेट्रोल जी, तो कंज्यूमर विल गेट एएच इनकम एज क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम नोन एज कंज्यूमर सरप्लस, कहा कि कंज्यूमर सरप्लस जो है अब एक नए तरीके से जानिए, ये टैक्स और सब्सिडी के लिए एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ए एच रुपया आपको दे देंगे, आप एच बिंदु पर आ गए, पेट्रोल जीरो हो गया, इन डिफरेंस कर्व आईसी टू आपको मिल गया, डिफरेंस कर्व आईसी टू आपको मिल गया, एट एच पॉइंट एट एच पॉइंट कंज्यूमर एट एच पॉइंट कंज्यूमर इज ऑन इंडिफरेंस कर्व आईसी टू बट विथ जीरो पेट्रोल, एट एच पॉइंट कंज्यूमर इज ऑन इंडिफरेंस कर्व आईसी टू बट विथ जीरो पेट्रोल, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन इन वेरिएशन इन इनकम
which is called consumer surplus. Consumer surplus in case of withdrawal. In case of withdrawal, तो हमारे यहाँ ये पेट्रोल का उदाहरण दे करके आपको ये चीज बताए. अब मान लीजिए कि इसके जगह पर किसी का मकान जो है नेशनल हाईवे के बीच में पड़ रहा है, नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है, तो उसका बिल्डिंगे पड़ जा रहा है किस पर, जहां से गुजरेगा, हाँ, तो लाख हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा, अल्टीमेटली उसको उस जगह छोड़ना पड़ेगा, उसके बिल्डिंग को ढा देगा. यहाँ हमारे बगल में गाय घाट में हजारों का मकान बुलडोजर से ढा दिया, 3 तल्ला मकान सब. और ढाता है तो जितना चाहिए उतना ही नहीं, जितना चाहिए उसका चरगुना. बाद में बढ़ाना हो, बाद में कुछ करना हो, अभी उसी का नाम हो गया है गांधी सेतु कॉलोनी. सरकार का वो कॉलोनी बना दिया है, उसी का अफसर सब रहता है. वो खाली हो गया, जिसका मकान था वो तो समतल हो गया. बहुत तो पागल हो गया था, गरीब आदमी उसे छिना गया, अपना टिकिया लिया कि कहां पर बड़ा मकान था. तो मान लीजिए 12 नंबर पिलर पर मकान था, तो पिलरवे पर बैठा रहता दिन भर. कितनों हटा ही नहीं ट्राई कि बैठने से हमको सुकून मिलता है, तो अपनी जमीन पर बैठे हुए पागल हो गया. अब बहुत को पैसा बटाया तो उसमें अच्छा अच्छा राजेंद्र नगर का यहाँ का जमीन भी मिला, बहुत को उसमें घपला कर दिया, नौकरी भी देता है ना सर, नौकरी भी दिया. तो उसमें जो नहीं प्राप्त कर सका या जो कुछ कारण से हो, बहुत का नाम जमीन पर है, नहीं है, रह रहा है, तो विड्रॉल में आपको कोई गड़बड़ी नहीं हो, नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर. इसको क्या बोला जाता है, एक टर्म है, कहीं भी पूछेगा तो बोलिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है. नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर. इस बात को आप Neither better off nor worse off than before. अगर इंटरव्यू में पूछ दिया आपको कि इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में neither better off nor worse off than before किस सिचुएशन में होता है, तो आपको बताना है कि ये कंज्यूमर सरप्लस के संदर्भ में है कि अगर आपका पेट्रोल दिया जाए या पेट्रोल लिया जाए या पेट्रोल यूज कर रहे हैं छीन लिया जाए, तो उस स्थिति में आपकी स्थिति ज्यों की त्यों रहे. इंडिफरेंस कर वन पर है तो पहले भी वन पर रहे, बाद भी वन पर रहे. अगर मान लीजिए इंडिफरेंस कर टू पर है तो विड्रॉल का केस होगा. टू पर है, विड्रॉल किया तो आप लटक के वन पर नहीं आ जाइए, आपको उतना ही इनकम बढ़ा देगा ताकि आप जीरो पेट्रोल पर भी आईसी टू पर रहिएगा. नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर. बीपीएससी में, यूपीएससी में कंज्यूमर सरप्लस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है. जो लोग बाद में आए हैं उनका वो चैप्टर को फिर से रिपीट हम उनके लिए करेंगे. कोई चीज छूटेगा नहीं, हम जो पढ़ाते हैं वो सर्किल के ऊपर है. आप जहां भी ज्वाइन कीजिएगा फिर वापस लौट के आपके सर्किल में आएंगे तो सर्किल आपका पूरा हो जाएगा.
छूटने का बात नहीं है, आप एब्सेंट हो गए कोई बात नहीं है, एब्सेंट हो गए और माँ के पास जा रहे हैं तो जाइए आशीर्वाद लीजिए माँ से, माँ का प्यार पाइए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, फिर जब आइएगा तो जो चीज़ है वो आपको होगा। तो पूरे सिलेबस को सर्कल में रखे हुए हैं और 50 साल से इसी सर्कल पर देखते हैं कि दौनी में बैल चलता है, आंख में बांध दीजिए, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, घूम रहा है घूम रहा है। हाँ, चाहे सरसों पेरने वाले में देखिएगा, बेचारा घूम रहा है घूम रहा है, तेल निकल रहा है, कितना का तेल निकल गया लेकिन वो बेचारा घूम रहा है घूम रहा है। तो इसलिए कोई चीज छूट जाए तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पूरा का पूरा प्राप्त कर लीजिए, यही मेरा उद्देश्य है। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर अकेले हमसे फोन करके बात कीजिए, हम आपको बताएंगे। सर इससे जुड़ा हुआ सवाल क्या रह सकता है सर, ये जो चार गो अभी समझाए हैं, इंडिपेंडेंट ना हो गया फोर कंज्यूमर सरप्लस जब बात कहेगा जी, तो शुरुआती दौर में सुनिए बता रहे, शुरुआती दौर में मार्शल हिक्स का 2 लाइन देखिए, उनके चित्र को बता के कंज्यूमर सरप्लस को बता दीजिए, है ना, कि क्या देना चाहता है क्या देता है कंज्यूमर सब इसी कहते हैं। तब आइए कि इसका वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, कल्याण के अर्थशास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण उपयोग हिक्स ने किया है, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री है, इन्होंने कहा है कि उपभोक्ता को कुछ देना होगा या उपभोक्ता से कुछ लेना होगा, हर हालत में था वही वो रहेगा, कल्याण के दृष्टिकोण से एकदम सही है। ऐसा नहीं कि आप ले लीजिए और इंडिफरेंस का गिर जाए नीचे, तो ये सही नहीं है, ये कल्याण के दृष्टिकोण से ये काम सही नहीं है। तो इसका सीधा क्वेश्चन है, एनालाइज 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, नंबर 1। नंबर 2, नाम से दे दिया, क्वांटिटी की वैल्यू वेरिएशन इनकम एक वो दिया। देखिए कमीशन का नियम होता है वो MBA का नहीं है कि पूरा का पूरा एक के चैप्टर को हाँक रहे हैं, चार में से कोई एगो दे दिया तो वही लड़का लिख पाएगा जो इसको पढ़े होगा जी सर। मार्शलियन कंज्यूमर सप्लाई ए, बी में हाउ हिक्स रिहैबिलिटेड बी में, सी व्हाट इज क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन इनकम, आपको पूरा का पूरा जांच लेगा। कमीशन में है कि आपका थॉरो होना चाहिए, पीस मिल में नहीं, इसलिए आप देखते हो ये है कि हम पढ़ाते हैं तो कोई चीज को हड़बड़ाते नहीं है जी, इतना समय लगेगा लेगा, एक बार अगर आपके दिमाग में घुस गया तो इकोनॉमिक्स से बड़ा सहायक और हेल्पफुल। बहुत लोग BPSC में कम्पीट किए, इकोनॉमिक्स में नंबर देख के आश्चर्यचकित थे, इतना नंबर उठाए, वो हेमंत नहीं है क्या? हाँ है। अरे वो राजा करके था, मुस्लिम लड़का था। हाँ सर। कैसर राजा की क्या नाम था उसका? अहमद रजा सर। अहमद रजा, उसको इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट नंबर था, उसका LSW खराब हो गया इसलिए उसका नहीं हो पाया। तो वही हमको बता रहा था कि हम तो देख के आश्चर्यचकित हो गए कि नया लड़का, मान लीजिए हमारे पास कोई आया है तो आश्चर्यचकित। देखिए अगर कोई लड़का अपने किसी ऐसे लोग के मार्फत आया तो जान रहा है, वो सब चीज जानता है, तो हर चीज जो आपको बता रहे हैं वो ओरिजिनल हिक्स के किताब की बात है। टेक्स्ट बुक राइटर में बहुत सारे बात को नहीं लिख सकता है क्योंकि कॉपीराइट, लेकिन टीचर के लिए कॉपीराइट नहीं होता है और न स्टूडेंट के लिए कॉपीराइट, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कि कोई भी किताब ऐसा नहीं है जिसमें सारा बात आपको मिल जाए, है वो किताब हिक्स का किताब होगा। तो ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ नहीं है कि हिक्स के लिए हिक्स का किताब, किन्स के लिए किन्स का किताब खरीदे, लड़का में ऐसा प्रवृत्ति नहीं है, पहले था हम लोग के जमाने में, लाइब्रेरी भी रिच था वहाँ से मिल जाता था, अभी भी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर तो आपको 2-3 ओरिजिनल किताब है। हम भी अब कॉलेज के लाइफ में जो छूट गया नहीं पढ़ पाया तो अभी उसको पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो कुछ नई बात मिलती है जो आपको बताते हैं।
तो इसलिए इसका सर फर्स्ट पेपर में 148 नंबर आया था 200 में सर, बताइए। अरे आपका तो वो कोई ग्रह का चक्कर है, वो पंडित जी को दिखाइए आप। हाँ वो LSW का ही चक्कर था सर, इसीलिए नहीं हुआ, LSW में ही कम नंबर आया था। 148 कितना परसेंट हुआ? 74% हुआ। 74 अच्छा नंबर आया 200 में 148 आया था सर फर्स्ट ओवर। अरे आपका तो नहीं हुआ तुमको बड़ा दुख हुआ। इस बार एकदम भीड़ भीड़ जाइए, समझे ना, मेहनत ज्यादा कीजिए। हेमंत जी के लिए जो है चिंकू भी बहुत परेशान रहता है, कहता है कि उनका होना चाहिए, आपका इस बार करने का है, लगे रहिए। हम पूरा पूरा मदद नहीं, ये हमारा सेवा है, मदद क्या कहें। आप देखे होइएगा कि इसमें गुरुद्वारा में सर जाने पर बर्तन धोता है लोग जी सर, जूता पोछता है बर्तन जी सर, जूता पॉलिश करता है, बर्तन धोता है, सेवा कर उस तरह का कल्चर सेवा वाला में। आ हमारे यहाँ जाएगा तो घंटी उठाएगा, बाहर 2 kg का है, 2 kg में नाप रहा है, हो सकता है रात उसमें आवेगा उठा के ले जाएगा। हाँ तो इसलिए कहता है हमें, हम लोग को अपना जो गोल है उसके लिए धीरे धीरे प्रयत्न करना है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट फोन से बात कीजिए, अब चेहरा देखने का तो काम नहीं है, नहीं तो हेमंत जी वाला बैच में तो हमको लगता था कि कितना लड़का रहा होगा एक बार में क्लास में, 30 था ना, 30 सीट नहीं मिल पाता था, सब रिजर्व किए हुआ था कि मेरा है रिजर्व रहता था, हम ही रिजर्व कर दिए थे कि अचानक कोई नया आदमी आवेगा वो चाहेगा कि आगे ही बैठे। तो ये नया सिस्टम है जिसमें कि हम लोग बिना चेहरा देखे हुए भी हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं आवाज से, और आई विश दैट यू ऑल गेट गुड पार्क्स एंड गेट सक्सेस इन द जर्नी। सो थैंक यू, सीइंग यू अगेन, गुड नाइट। ओके सर, प्रणाम सर। ओके सर, गुड नाइट सर।